मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम। बचाओ! ढूंढो हमें। बहुत छोटे शब्द हैं क्यों घबरा गए थे जैकी संजय दत्त के साथ फाइटिंग सीन्स करने से? मूवी में कौन सा सीन सबसे ज्यादा खतरनाक रहा था? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ खलनायक 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सुपरहिट मूवी खलनायक में एक सीन ऐसा था जिसमें बॉलीवुड के एक्शन स्टार जैकी श्रॉफ और एक्टर संजय दत्त लड़ रहे थे, वो भी पेड़ के ऊपर। इस सीन को जैकी श्रॉफ ने खतरनाक बताया क्योंकि पेड़ की डालियां भीगी हुई थी। इस सीन को करने में दोनों को दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि जिस पेड़ पर यह सीन फिल्माया जा रहा था उसकी डालियां भीगी हुई थी, जिसके कारण दोनों फिसल रहे थे। जैकी श्रॉफ कहते हैं, बहुत सारी यादें हैं पेड़ पर फाइट करने की, उस समय बहुत खतरनाक हुआ करता था, पेड़ की डालियां भीगी हुई थी और उस पर हम फिसलते रहते थे, इसलिए पेड़ पर जब लड़ रहे थे तब बहुत खतरनाक था, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं और संजय दत्त दोनों साथ में रहते थे तो एक दूसरे को संभाल लेते थे। इसके अलावा मूवी का दूसरा भाग भी आ रहा है, मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। सुभाष घई ने बताया कि संजय दत्त ने जेल से मुझे खलनायक 2 बनाने का आइडिया दिया था। खलनायक सीक्वल बनाने के बारे में बात करते हुए सुभाष घई ने कहा कि खलनायक 2 पर हमारा 2 से 3 साल से काम चल रहा है। संजय ने जेल के किस्से सुनाते हुए मुझे चिट्ठी लिखकर कहा था कि जेल में लोग मुझसे एक ही गाना गाने को कहते हैं और वो है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। इसी के साथ कैदियों को सिर्फ एक ही मूवी पसंद आई और वो है खलनायक। आज भी लोग इस मूवी को इतना ही पसंद करते हैं तो आप इस मूवी का सीक्वल क्यों नहीं बनाते? इसके बाद मुझे विचार आया खलनायक 2 बनाने का। खलनायक के सीक्वल की कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जब बल्लू बलराम यानी संजय दत्त 20 साल बाद जेल से बाहर आता है और वो जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित को मिलता है और अब उनके बच्चे भी हो गए हैं। इसके बाद आगे क्या होता है ये खलनायक के सीक्वल में बताया जाएगा। ये प्लॉट जब मैंने संजय को जेल से बाहर आने के बाद सुनाया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। 1.5-2 साल हो गए स्क्रिप्ट तैयार हुए और ईश्वर ने चाहा तो हम इसे जल्द ही शुरू करेंगे। खलनायक 2 की कहानी बेसिकली एक जवान विलन और बूढ़े विलन की है, जिसमें संजय बूढ़े विलन बल्लू बलराम का किरदार निभाएंगे जबकि यंग विलन के रोल के लिए कोई यंग स्टार को चुना जाएगा। इस बारे में अभी तलाश जारी है। खलनायक 2 कंफर्म है, फिर से छाएंगे खलनायक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्री शाह और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। इस डायलॉग को तो हम भूल ही नहीं सकते। खलनायक यानी संजू बाबा ने इस फिल्म के साथ बॉलीवुड फैंस के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। इस फिल्म के बाद से ही वो बन चुके हैं बॉलीवुड के असली खलनायक। दोस्तों, खलनायक एक हिंदी एक्शन थ्रिलर मूवी रही है जो कि आइकॉनिक है। ये साल 1993 में रिलीज हुई थी जिसने सिनेमा घरों में काफी धूम मचाई थी। अब खलनायक 2 बनने की खबरें आ रही है। डायरेक्टर सुभाष घई,
ने हाल ही में कंफर्म स्टेटमेंट दिया है कि खलनायक 2 की स्टोरी लाइन तैयार है और इसमें फिर से हमारे चहेते स्टार यानी कि संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ और माधुरी दीक्षित देखने को मिलेंगे। दोस्तों खलनायक 2 खलनायक का ही सीक्वल है और खबरों के मुताबिक ये कहानी बल्लू की जेल से वापस आने के बाद की कहानी को दिखाएगी। यंग बल्लू का रोल प्ले करेंगे एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। साथ ही दोस्तों संजय दत्त की भी इसमें अहम भूमिका रहेगी। खबरों के मुताबिक इस रीमेक की लीड एक्ट्रेस के बारे में कोई पक्की खबर अब तक सामने नहीं आई है। साथ ही खलनायक 2 में बल्लू वापस जेल से आकर छा जाएंगे, क्या वो गंगा का दिल जीत पाएंगे? है कहानी जो भी हो, एक्शन और ड्रामा भरपूर होगा। संजय दत्त एक पावरफुल कमबैक के साथ बॉलीवुड में वापस अपने झंडा गाड़ने आ रहे हैं खलनायक 2 के साथ। इस मूवी में गाने आपने सुने ही होंगे, उस टाइम के सुपर हिट रहे हैं। साउंड ट्रैक चोली के पीछे क्या है, पालकी में होके सवार एंड नायक नहीं खलनायक द खलनायक साउंड ट्रैक एल्बम सोल्ड 10 मिलियन कॉपीज, मेकिंग वन ऑफ द ईयर्स बेस्ट सेलिंग बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम। इस बार भी हम इस मूवी से धमाकेदार सॉन्ग की उम्मीद कर सकते हैं। आगे क्या होगा, ये फिल्म कब आएगी, कौन होगी लीड एक्ट्रेस, ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ। रही है खलनायक की स्टार कास्ट आजकल, क्या होगा खलनायक के सीक्वल का नाम। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं 1993 की हिट फिल्म खलनायक के बारे में, जो उस वक्त की बेहतरीन रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें हमें एक बहुत अच्छी कहानी और संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार कास्ट देखने को मिले थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुभाष जी ने काफी वक्त पहले ये बात बताई थी कि वो उनकी सुपरहिट फिल्म खलनायक के पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं और उसके बाद से ये फिल्म काफी चर्चा में रही है। खबर ये भी है कि लॉकडाउन के वक्त निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने स्क्रिप्टिंग का काफी काम पूरा कर लिया है। संजय दत्त और सुभाष घई दोनों ही टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में लेने पर सहमत हैं और माना जा रहा है कि निर्माता फिल्म को नए दौर के हिसाब से बनाने वाले हैं। हालांकि फिल्म कब रिलीज होगी इस बात को लेकर अभी कोई बात नहीं की गई है और संजय भी अभी उनकी आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 2 में बिजी हैं और टाइगर भी उनकी आने वाली हीरोपंती 2 की शूटिंग में बिजी हैं। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खलनायक पार्ट 2 हमें 2023 में देखने को मिल सकती है। खलनायक फिल्म में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी लीड रोल में थे। जब एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी से पूछा गया कि उनका खलनायक 2 के बारे में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती और ये उनके लिए नई खबर है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो माधुरी द फेम गेम के साथ अपने डिजिटल डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जैकी की इस साल फोन बूथ नाम की हॉरर कॉमेडी के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी भी हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या खलनायक के पार्ट 2 का नाम खलनायक 2 ही होगा या फिर निर्माता कोई नया नाम लेकर आएंगे, जैसे सिंघम के पार्ट 2 का नाम सिंघम रिटर्न्स और बाहुबली भी द बिगिनिंग और द कंक्लूजन ऐसे दो पार्ट्स में आई थी, वैसे ही खलनायक का पार्ट 2 डेविल इज बैक या गैंगस्टर अगेन या फिर रोग्यू भी हो सकता है। देखना ये है कि किस नए नाम और अंदाज में खलनायक पार्ट 2 आती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। खलनायक फिल्म का पार्ट 2 आप कौन से नाम के साथ देखना पसंद करेंगे हमें बताइए अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर Yeah, yeah.
क्या टाइगर बनेंगे बॉलीवुड के नए खलनायक? क्या कहा संजय दत्त ने खलनायक 2 पर? क्या कहा सुभाष घई ने फिल्म के प्लॉट के बारे में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन, आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं 1993 की सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म खलनायक के आने वाले सीक्वल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बॉलीवुड के हिटमैन सुभाष घई ने कुछ वक्त पहले ये बात रिवील की थी कि वो 1993 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। खलनायक उस दौर की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ, और ये फिल्म अपने म्यूजिक के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। इस फिल्म का चोली के पीछे क्या है और नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये दोनों गाने आज भी लोगों की जुबान पर याद हैं। सुभाष घई ने कहा था कि वो खलनायक के सीक्वल पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए उनको संजय ने प्रेरित किया था। सुभाष घई ने संजय के बारे में एक दिलचस्प बात बताई थी कि वो उनके एक अच्छे दोस्त रहे हैं और जब वो जेल में थे तब भी उनको लेटर लिखते रहते थे। संजय ने उनको बताया था कि वहां पर सभी खलनायक फिल्म में उनके किरदार बल्लू बलराम को बहुत पसंद करते थे और उन्हें नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाना गाने के लिए भी बोला जाता था। ये भी बोला कि क्या हम इस फिल्म का सीक्वल नहीं बना सकते हैं, और उनकी इसी बात से इंस्पायर होकर उन्होंने इस बारे में सोचा कि फिल्म का पार्ट 2 बन सकता है। तब उन्होंने सोचा कि फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है जिसमें बल्लू बलराम यानी संजय दत्त अपनी सजा खत्म करके जेल से लौटता है और जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के किरदारों से मिलता है जो जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इस फिल्म में खलनायक का एक यंगर वर्जन भी होगा जिसके लिए संजय दत्त ने टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया है, तो हो सकता है कि कुछ समय में हम टाइगर को खलनायक के किरदार में देखें। खलनायक 2 संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनाई जाएगी। खलनायक 2 की कहानी को एक कंटेम्प्रेरी लुक भी दिया जा सकता है और बल्लू के ओल्ड और यंगर वर्जन को दिखाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि हमें संजय, माधुरी और जैकी की जोड़ी एक बार फिर से साथ में दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि बल्लू यानी कि संजय दत्त जेल से निकलते ही गंगा यानी कि माधुरी दीक्षित से मिलने के लिए जाएं और उसे राम यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ देखें। बल्लू गंगा को बचाने के लिए जेल चला गया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, लेकिन गंगा राम से प्यार करती थी। आगे ये भी हो सकता है कि संजय फिर से क्राइम की राह पर चल दे और वहां वो टाइगर से मिले जो गैंग का लीडर बन गया हो और उनका आमना सामना भी दिखाया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर बल्लू का ही यंगर वर्जन हो और हमें कहानी एकदम नए तरीके से नए किरदारों के साथ दिखाई दे। अब इंतजार ये रहेगा कि कब कोई नई न्यूज मिलती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो। मैं एक गुंडा कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, क्या खलनायक 2 में टाइगर का रोल होगा अहम? क्या माधुरी और जैकी का होगा खलनायक 2 में कैमियो? किसके पीछे है खलनायक इस बार? हेलो दोस्तों, मैं नितिन, आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं 1993 की हिट फिल्म खलनायक के आने वाले पार्ट 2 के बारे में और उसमें आने वाली नई ट्विस्टेड कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। खलनायक फिल्म की एंडिंग में हमने देखा था कि जब गंगा यानी कि माधुरी दीक्षित को जेल होने वाली होती है तब खलनायक बल्लू यानी कि संजय दत्त उसे बचाने के लिए खुद जेल चला जाता है क्योंकि वो गंगा से प्यार करता है और उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, भले ही गंगा का उससे नहीं राम यानी कि जैकी श्रॉफ से प्यार करती है। अब जब खलनायक का पार्ट 2 चर्चा में है तो ये बात सामने आई कि पार्ट 2 में अगली कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा जिसमें बल्लू अपनी सजा काट कर वापिस आएगा और राम और गंगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए होंगे और हमें एक यंग विलन भी दिखेगा जो टाइगर श्रॉफ हो सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि टाइगर गंगा और राम का बेटा है। जब बल्लू जेल से छुटकर आता है तो गंगा को अपने पति राम और बेटे के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखता है, तब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो गंगा से अभी भी प्यार करता है और उसे बचाने के लिए वो इतने साल जेल में भी रहा और गंगा ने अपनी जान को खतरे में डालकर बल्लू की मदद की, तब उसे ऐसा लगा कि गंगा उससे प्यार करती है
और वो जेल से छुटकर उसके पास जाने वाला था, लेकिन वो तो कोई और ही नजारा देखता है। इस बात को लेकर बल्लू के अंदर का खलनायक एक बार फिर जाग जाता है और वो बिना कोई सुराग छोड़े राम का कत्ल कर देता है। और जब गंगा और राम का बेटा यानी कि टाइगर श्रॉफ अकेले पड़ जाते हैं, तब बल्लू गंगा के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है। हालांकि टाइगर को अपनी माँ और बल्लू का नजदीक आना पसंद नहीं आता और बल्लू को भी टाइगर पसंद नहीं है क्योंकि वो राम का बेटा है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है और टाइगर को ये बात पता चलती है कि उनके साथ रहने वाला इंसान उसके पिता का हत्यारा है, तो वो बल्लू को नहीं छोड़ने की कसम खाता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच लड़ाई। लेकिन आखिर में जब बल्लू गंगा के सामने ही टाइगर को मारने की कोशिश करता है, तब गंगा के खुलासे के बाद वो बिल्कुल दंग रह जाता है और पीछे हट जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या कहा होगा गंगा ने कि बल्लू चौंक जाता है? ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम बचाओ जेल से भागा हुआ मुजरिम बचाओ ढूंढो हमें। कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी टाइगर के साथ खलनायक 2 में? क्या माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे खलनायक के सीक्वल में? क्या खलनायक 2 में जारी रहेगी भाग 1 की कहानी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो खलनायक के पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए उनको संजय दत्त ने इंस्पायर किया था। उन्होंने लॉकडाउन के वक्त लगातार खलनायक की स्क्रिप्ट पर काम किया है। खलनायक उस दौर में कलाकारों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लाजवाब म्यूजिक और बेहतरीन स्टोरी की वजह से सुपरहिट रही थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में थी जो जैकी श्रॉफ के किरदार से प्यार करती थी और उसे झूठे इल्जामों से बचाने के लिए अंडरकवर होकर उसकी मदद कर रही थी। और उसी दौरान संजय का किरदार उसको पसंद करने लगता है और वो भी समझ जाती है कि संजय खलनायक क्यों बना। अब सुभाष घई के इंटरव्यू के हिसाब से वो खलनायक की स्टोरी को रिपीट करने वाले हैं
और उसमें एक यंग विलन का किरदार ऐड करने वाले हैं, और उसके लिए सुभाष घई ने टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया था, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि वो जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित को भी कास्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि माधुरी खलनायक के पार्ट 2 के साथ बॉलीवुड में अपना कमबैक करें और हमें फिर से माधुरी, संजय और जैकी की जोड़ी एक साथ देखने को मिले। हालांकि जब माधुरी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो क्या खलनायक 2 का हिस्सा बनेगी, तो उन्होंने कहा कि ये बात मेरे लिए नई है और मुझे इस रोल की पेशकश अभी तक नहीं की गई। वहीं फिल्म में टाइगर के होने के काफी चांसेस हैं, और जब जब खलनायक 2 का नाम सुनने में आया है तब तब हम फिल्म में टाइगर के होने की खबर भी सुनते हैं। साथ ही कौन सी एक्ट्रेस होंगी इस पर भी अभी कोई खबर नहीं मिली है। टाइगर श्रद्धा कपूर और दिशा पाटनी के साथ बागी फ्रेंचाइजी में काम कर चुके हैं, जो इसी जॉनर की थी, और टाइगर की जोड़ी तारा सुतारिया के साथ भी खूब जमती है। अब देखना ये होगा कि टाइगर के साथ कौन सी एक्ट्रेस अपना रंग जमाती है खलनायक 2 में। अगर हम बात करें खलनायक 2 की कहानी के बारे में, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये कहानी पहले पार्ट को कंटिन्यू करेगी, जिसमें संजय यानी बल्लू बलराम अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आता है और माधुरी और जैकी के किरदारों से मिलता है, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। फिल्म की बेसिक स्टोरी को एक जैसा रखकर उसमें कोई ट्विस्ट भी लाया जा सकता है, जिसमें टाइगर का किरदार इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखने की बात दीक्षित और जैकी श्रॉफ का किरदार खलनायक 2 में। माधुरी और जैकी ने कौन सी फिल्में की हैं एक साथ? सो हेलो गाइस, इट्स मी स्वाति तिवारी, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1993 में आई खलनायक के स्टार्स माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की, यानी उस दौर की सुपरहिट जोड़ी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पे हम ये चर्चा। माधुरी और जैकी की जोड़ी 90s की एक फेमस और पसंदीदा जोड़ी थी। इन दोनों ने ही एक साथ काफी सारी हिट फिल्में की हैं, और उनमें से एक है खलनायक। उस वक्त ड्रीम गर्ल माधुरी अपनी अदाओं और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, और जैकी श्रॉफ ने भी काफी सारे अच्छे किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। माधुरी और जैकी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात ही कुछ और थी। खलनायक में भी जैकी का किरदार यानी कि इंस्पेक्टर राम, और माधुरी का किरदार था राम की फियांसे गंगा का, वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर ही थी। और जब राम पर बेतु के इल्जाम लगते हैं, तब गंगा राम को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है और बल्लू यानी कि संजय दत्त से मिलती है। इस फिल्म में भी जैकी और माधुरी की केमिस्ट्री खूब जमी थी। हाल ही में खलनायक फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने ये बात रिवील की थी कि वो खलनायक के अगले पार्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि वो फिल्म के लीड एक्टर्स यानी कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ को ही पार्ट 2 में लेंगे। खलनायक 2 की कहानी वहीं से कंटिन्यू की जाएगी जहां पर खलनायक की खत्म की गई थी, मतलब कि खलनायक फिल्म के एंडिंग में क्रिमिनल बल्लू ने गंगा को बचाने के लिए अपने गुनाह को कबूल कर लिया था और जेल चला गया था। तो पार्ट 2 में वो अपनी सजा खत्म करके छूट सकता है। और सुभाष जी ने ये भी बताया था कि जैकी और माधुरी का किरदार आगे बढ़ गया होगा, इसका मतलब ये है कि राम और गंगा को पति पत्नी के रूप में देखा जा सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 90s की सुपरहिट जोड़ी इस नए दौर में क्या कमाल दिखाती है। माधुरी और जैकी ने एक साथ 10 से ज्यादा फिल्में की हैं। इन सभी में से राम लखन, देवदास, खलनायक, त्रिदेव, परिंदा, वर्दी, 100 डे जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। साथ ही लग जा, उत्तर दक्षिण, संगीत, प्रेम दीवानी जैसी फिल्मों में भी उनकी जोड़ी खूब जमी थी। वैसे दोनों स्टार्स रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इतने सालों के बाद इनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या रंग जमाती है। उम्मीद है 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में संजय दत्त की गिरफ्तारी को 29 इयर्स बाद डायरेक्टर सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जानते थे कि संजय दत्त कोई क्रिमिनल नहीं था, वो निर्दोष था, उसे केवल फंसाया गया था। सुभाष घई संजय दत्त को बचपन से जानते थे। उन्होंने वर्ष 1982 में आई संजय की फिल्म विधाता का निर्देशन किया था। फिर 10 साल बाद उन्होंने संजय को खलनायक के लिए कास्ट किया।
वो उन्हें बहुत करीब थे। अब जब संजय को गिरफ्तार किया गया तो वो जानते थे कि वो निर्दोष है, उन्हें केवल फंसाया गया है, वो अपराधी नहीं है। अब उसी समय संजय दत्त की फिल्म खलनायक भी रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता भी हासिल कर ली थी। सुभाष ने कहा कि संजय जिससे बुरे दौर से गुजर रहे थे उसका इस्तेमाल करना मेरे उसूलों के खिलाफ था। उन्होंने खुलासा किया कि मैंने खलनायक के प्रमोशन पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। एक सवाल से जवाब में घई ने कहा कि उन्होंने कभी भी खलनायक के प्रचार के लिए संजय के कानूनी विवाद का इस्तेमाल नहीं किया। संजय दत्त को पहली बार अप्रैल 1993 में गिरफ्तार किया गया और उनकी फिल्म खलनायक को उसी साल 15 जून को रिलीज किया गया। संजय ने फिल्म में एक वांटेड अपराधी की भूमिका निभाई थी। घई ने कहा कि फिल्म में दत्त की मौजूदगी के कारण काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा चोरी के पीछे गाने को लेकर इतना बवाल हुआ कि कई सारी पॉलिटिकल यूनिट्स मेरे खिलाफ हो गए, कोर्ट केस हो गए, लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे पता था कि मैंने कौन सी फिल्म बनाई है, मुझे पता था कि संजय दत्त क्या है, मुझे पता था कि चोरी के पीछे क्या है। उन्होंने आगे बताया कि मैंने सबसे कम प्रमोशन अपनी इस फिल्म के लिए किया था, क्योंकि खलनायक उन दिनों संजय की वजह से खासा सुर्खियों में थी, सब जगह उनके चर्चे थे। मैंने बस लोगों को इन्फॉर्म किया था कि इस दिन फिल्म थिएटर में लग रही है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। बता दें कि संजय को वर्ष 2006 में डाड़ा अदालत द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया और कोर्ट ने उन्हें 9 mm पिस्तौल और एक 56 राइफल का दोषी पाया गया। उन्हें 2007 में कुछ दिनों तक जेल में बिताने पड़े और 3 सप्ताह से भी कम में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद वो 2013 से 2016 तक जेल में थे। तो वो आपको क्या लगता है, क्या सुभाष सही कर रहे हैं? वैसे सुभाष साहब ने ही इंडस्ट्री को इतना काबिल विलन दिया जो आज KGF 2 जैसी फिल्म में विलन अधिकारी का रोल निभा रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम टाइगर का क्या है खलनायक से रिश्ता, क्या जल्दी शुरू होने वाली है फिल्म की शूटिंग। खलनायक 1993 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट फिल्म थी। शोमैन सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। संजय को इस फिल्म के लिए अपार प्यार मिला और जल्द ही हम टाइगर को इसके सीक्वल में देखेंगे। कहा जा रहा है कि कहानी पहले पार्ट की कॉन्टिन्यूएशन होगी। फिल्म के लिए डायरेक्टर्स का भी फाइनल सिलेक्शन किया जाना बाकी है और फिल्म से रिलेटेड बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की भी जानी बाकी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साल 1993 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म खलनायक की अगली इंस्टॉलमेंट खलनायक 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। टाइगर श्रॉफ आज के जनरेशन के एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं। खबर आ रही है कि टाइगर जल्द ही 1993 में रिलीज संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले भी इस फिल्म के रीमेक को लेकर चर्चा हुई थी और अब फिर से ये बात सामने आई है कि जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक की कहानी को इसके सीक्वल में आगे बढ़ाया जाएगा। फिल्म की कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। इसके अलावा इस फिल्म के लिए डायरेक्टर्स की खोज भी शुरू की जा चुकी है, जल्दी फिल्म के लिए डायरेक्टर्स का ऐलान हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ खलनायक में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ चुके हैं। फिल्म में जैकी की एक्टिंग की भी काफी तारीफ की गई थी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर फिल्म में टाइगर नायक है या खलनायक, किसका रोल अदा करने वाले हैं। खैर ये तो आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। टाइगर श्रॉफ की आखिरी रिलीज फिल्म बागी फ्रेंचाइजी की बागी 3 है। ये फिल्म इस साल मार्च में रिलीज हुई थी। पहले ओपनिंग वीक में फिल्म बागी 3 ने 87 करोड़ 25 लाख रुपयों का कलेक्शन किया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया। बागी 3 को अहमद खान ने निर्देशित किया था और इसे साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। टाइगर श्रॉफ जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। टाइगर की फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा
अलावा टाइगर बागी 4 हीरोपंती 2 में भी दिखाई देंगे। टाइगर की हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग 25 देशों में की जाएगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग दुनिया भर के 12 देशों में होगी। हीरोपंती और बागी की फ्रेंचाइजी को मिले अपार प्यार और प्रशंसा के साथ साजिद और टाइगर दोनों उत्साहित है। क्या आप तैयार हैं आने वाले इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की अगले इंस्टॉलमेंट में दमदार नायक को विलन के रूप में देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। खलनायक 2 पर काम, कौन से 3 स्टार फिल्में फिर आएंगे नजर, क्या फिल्म में टकराएंगे 2 विलेन? तो आज हम बात करने जा रहे हैं साल 1993 में रिलीज हुई मेगा स्टार हिट फिल्म खलनायक की अगली इंस्टॉलमेंट खलनायक 2 के बारे में। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, खलनायक 2 में एक बार फिर जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त नजर आ सकते हैं, और इस बात का हिंट खुद सुभाष घई ने दिया है। उन्होंने कहा कि तीनों किरदार जिंदा है, भले ही बूढ़े हो गए हों, लिहाजा तीनों सितारे इस फिल्म में दोबारा नजर आएंगे। खास बात यह है कि फिल्म वहीं से शुरू की जाएगी जहां खत्म हुई थी। 27 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म के अंत में गैंगस्टर बलराम प्रसाद उस बल्लू जो किरदार संजय दत्त ने निभाया था, वो जेल चले जाते हैं। अब खलनायक 2 में उसके जेल से बाहर आने की बात की कहानी को दिखाया जाएगा। भरा गर्ग जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित से मिलता है जो माता पिता बनते हैं। इस फिल्म की शूट पूरी तरह से तैयार है और लॉकडाउन के बाद इस पर काम भी शुरू किया जा सकता है। सुभाष घई इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर जी जान से काम कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर कुछ अहम जानकारी सामने आई है। उसके मुताबिक इस फिल्म में इस बार 2 विलेन यानी 2 खलनायक होंगे, एक बूढ़ा विलेन और एक जवान। अब बूढ़े विलेन का किरदार को संजय दत्त निभाएंगे, लेकिन जवान विलेन की तलाश फिलहाल जारी है। इसमें किसी यंग एक्टर को साइन किया जाएगा जिसको लेकर अभी कोई नाम ऑफिशियल तरीके से सामने नहीं आई है। तो क्या आप तैयार हैं आने वाली इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की अगली इंस्टॉलमेंट में दमदार नायक को मिलेंगे? जल्दी नजर आएगा संजय दत्त का खलनायक अवतार वापस से बड़े पर्दे पर। आखिर कितने सालों में तैयार हुई है खलनायक 2 की स्क्रिप्ट? क्या वापस से नजर आने वाले हैं संजय दत्त या होगी एक नई खलनायक की एंट्री? कहां से आया खलनायक 2 को बनाने का आइडिया? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त अनविता पाठक और स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। दोस्तों, 90s की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जिसमें माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त ने बड़े ही कमाल की एक्टिंग करके इस फिल्म को एक लेजेंडरी मूवी बनाया दिया था, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म के सीक्वल की तैयारियां वापस से खलनायक के डायरेक्टर सुभाष घई कर रहे हैं। खलनायक 2 के बेसिक प्लॉट को रिवील करते हुए मीडिया के साथ सुभाष घई ने बताया कि 1-2 सालों के अंदर खलनायक फिल्म का सीक्वल रिलीज करने का प्लान वो पक्का कर चुके हैं। हालांकि ये फिल्म 2 सालों के अंदर अंदर रिलीज होगी, तो क्या आप ये जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी को कैसे लिखा गया और किस तरह से फिल्म के सीक्वल को बनाने का ख्याल सुभाष घई के दिमाग में आया? चलिए आपको इस बात से रूबरू कराते हैं कि खलनायक 2 की स्क्रिप्ट पिछले 2 सालों से लिखी जा रही है। ये कोई अफवाह नहीं है, ना ये कोई उड़ती उड़ती खबर है कि खलनायक 2 बनेगी। ये एक सच बात है जो कि सुभाष घई ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताई कि वो 2 सालों से इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और फाइनली फिल्म की स्क्रिप्ट को अब पूरा कर लिया गया है। कास्टिंग और बाकी चीजों पर अब सुभाष भाई ध्यान दे रहे हैं। फिल्म खलनायक के मेन लीड के तौर पर संजय दत्त को ही दिखाया जाएगा, साथ ही एक न्यू एज एक्टर नई तरह के विलन का किरदार निभाता हुआ इस फिल्म के जरिए दिखाया जा सकता है। इस फिल्म की पूरी कहानी को बनाने का आइडिया सुभाष घई को संजय दत्त ने दिया था। उन्हें ये आइडिया तब आया जब संजय दत्त को कुछ सालों के लिए जेल में बंद होना पड़ा था। वहाँ से वो अक्सर सुभाष घई को चिट्ठियाँ लिख लिख कर इस फिल्म के सीक्वल के बारे में बताया करते थे। उन्होंने फिल्म के बेसिक प्लॉट को लेकर भी एक चिट्ठी के जरिए उन्हें खबर दी थी, जिसके बाद सुभाष घई को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया और फाइनली फिल्म को बनाने का प्लान टीम ने मिलकर पक्का कर लिया है।
फिलहाल फिल्म में जैकी श्रॉफ का किरदार होगा या नहीं होगा, साथ ही दो माधुरी दीक्षित अपने किरदार में नजर आने वाली हैं कि नहीं, इस बात की कंफर्मेशन मेकर्स ने अभी तक नहीं दी है। लेकिन संजय दत्त का इस फिल्म में होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनका इस फिल्म में एक अहम किरदार भी नजर आएगा। साथ ही न्यू एज चैप्टर के तौर पर टाइगर श्रॉफ को इस बार फिल्म में कास्ट करने की खबरें सामने आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ को लेकर आपके इस फिल्म में क्या व्यूज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत हमारे आज के वीडियो में दोस्तों, इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। दोस्तों जाने से पहले बता दूं, आज की हमारी स्क्रिप्ट राइटर हैं कोमल तिवारी। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ, सायोनारा। मैं गुंडा कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, खलनायक 2 में वापस से अपने लीड कैरेक्टर में नजर आएंगे संजय दत्त या फिर एक नए हीरो के साथ निभाएंगे प्रोटैगोनिस्ट का किरदार? क्या खलनायक के सुपरहिट गाने किए जाएंगे फिल्म के सीक्वल में रीमेक? खलनायक 2 के सीक्वल को लेकर क्या कहना है माधुरी दीक्षित का? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। 90s की सुपरहिट फिल्म जिसने बॉलीवुड को एक खलनायक गिफ्ट किया था, वो वापस से अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म के अगले सीक्वल के साथ तैयार नजर आ रही है। ये फिल्म उस जमाने की सबसे ज्यादा टॉप कंट्रोवर्शियल और सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म की कहानी से लेकर इस फिल्म के गाने, हर एक चीज में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उस वक्त जब खलनायक की मेकिंग चल रही थी, संजय दत्त के ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो रही थी। सभी मुश्किलों के बावजूद उस जमाने की सबसे हिट फिल्मों में से अपना नाम दर्ज किया इस फिल्म ने। खलनायक मूवी फिल्म के कई सारे ऐसे डायलॉग्स भी हैं जिन्हें आज तक लोगों ने अपने जहन में याद रखा हुआ है। संजय दत्त को बॉलीवुड में आज भी खलनायक के नाम से जाना जाता है। फिल्म के सीक्वल की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म से जुड़े क्लोज सोर्स की माने तो इस फिल्म के सीक्वल का आइडिया और कुछ बेसिक स्टोरी लाइन संजय दत्त ने खुद सुभाष घई को लेटर्स के थ्रू लिख कर दी थी, जिसके बाद सुभाष घई को भी इस फिल्म के सीक्वल को बनाने का काफी अच्छा इंटरेस्ट आ गया। अब एक अहम सवाल खड़ा होता है कि फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले संजय दत्त क्या इस बार सीक्वल में भी खलनायक के तौर पर नजर आएंगे या फिर एक नए एक्टर के साथ वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट के रोल में दिखाई देंगे? क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने बताया था कि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर खलनायक के सीक्वल को बनाना काफी ज्यादा पसंद करेंगे। साथ ही उन्होंने अभी तक टाइगर श्रॉफ से ही इस फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर बात की है। टाइगर श्रॉफ अब लीड एक्टर के तौर पर हीरो का किरदार निभाएंगे या फिर विलन की जगह लेंगे या फिर होगा उनका किसी तरीके का फिल्म में कैरेक्टर स्विच, ये तो फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तभी सामने आएगा। फिलहाल इस फिल्म से जुड़े दो स्टार्स का ही नाम कंफर्म हुआ है जो कि है संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ। खलनायक मूवी का सुपरहिट सॉन्ग चोली के पीछे क्या है जब तैयार किया जा रहा था, इस गाने के लिरिक्स को लेकर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी। साथ ही माधुरी दीक्षित को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके इस गाने को सक्सेसफुली रिलीज किया गया और ये 90s का सबसे सुपरहिट आइटम नंबर साबित हुई। दोबारा से फिल्म को नए अंदाज में खलनायक 2 में पेश किया जा सकता है। अब इसमें आइटम नंबर पर परफॉर्म करती हुई वापस से बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नजर आएंगी या फिर ट्रेंड में चल रही बॉलीवुड की दूसरी रीवा गर्ल्स? फिल्म में उनके गाने और सामने आ रही खबरों से रिलेटेड जब खलनायक मूवी की हीरोइन माधुरी दीक्षित से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में उन्हें कोई कंफर्मेशन या पक्की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो इस फिल्म के सीक्वल में काम करना जरूर पसंद करेंगी। फिल्म से जुड़े जो भी कंफर्मेशन सामने आते हैं वो उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगी। दोस्तों
क्या आप माधुरी दीक्षित को वापस से फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर देखना पसंद करेंगे, या फिर बॉलीवुड की कोई न्यू हीरोइन इस फिल्म में उनकी जगह लेने के काबिल है? आपके क्या व्यूज हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या खलनायक 2 हो सकती है इस फेमस हॉलीवुड मूवी का रिमेक, और क्या खलनायक 2 में हमें इस फेमस एक्ट्रेस का आइटम नंबर देखने को मिल सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे खलनायक 2 की, और उस मूवी के लिए तो तैयार है हर संजय दत्त का फैन जो लंबे अरसे से इस फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जल्द ही आपका ये लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। फिलहाल फिल्म की ऑफिशियल यूनिट की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि फिल्म का ओवरऑल कास्ट क्या होगा। सुभाष गई ने अभी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि खलनायक 2 में कौन कौन सा कलाकार अहम किरदार निभाने वाला है। पर क्या आप जानते हैं कि खलनायक 2 की स्टोरी लाइन में हमें अब की बार एक फेमस मूवी का रिमेक देखने को मिल सकता है, और वो भी हॉलीवुड इंडस्ट्री की एक फेमस मूवी। हम बात कर रहे हैं जोडियाक की। जी हाँ, उस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो उसमें हमें एक साइको किलर की स्टोरी दिखाई गई थी जो कि अपने हर किल के बाद एक जोडियाक का साइन छोड़ देता है, और फिर पुलिस उसे ढूंढते ही रह जाती है पर वो कभी उसके हाथ नहीं आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मूवी बिल्कुल एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, तो हमें इसका हिंदी वर्जन देखने को मिल सकता है खलनायक 2 के जरिए। अगर हम बात करें कि आखिर एक ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए होती है वो क्या है, तो वो होती है एक कास्ट और साथ ही गजब का डायरेक्शन। लेकिन एक चीज जो अक्सर ही बॉलीवुड की फिल्मों में हमें देखने को मिलती है, और चीज के बदले बॉलीवुड की मूवी हिट भी हो जाती है, हम बात कर रहे हैं आइटम नंबर की। जी हाँ, एक स्पेशल डांस नंबर किसी भी फिल्म में 4 चांद लगा देता है, और कुछ ऐसा ही हमें खलनायक 2 में भी देखने और सुनने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आई है कि खलनायक 2 में फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मांडेना एक स्पेशल डांस नंबर परफॉर्म करते हुए दिख सकती हैं। Well, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर खलनायक 2 एक अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है, क्योंकि रश्मिका मांडेना टॉलीवुड इंडस्ट्री से आती हैं और अब उन्हें बॉलीवुड में भी एक अच्छा खासा स्थान प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि रश्मिका मांडेना फिलहाल नेशनल क्रश बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर ये खलनायक 2 के लिए एक दोहरी ट्रीट साबित होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप स्पेशल डांस नंबर के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या खलनायक 2 में हमें अब की बार कार्तिक आर्यन को देखने का मौका मिल सकता है, और क्या खलनायक 2 बन सकती है एक सुपर हीरो एक्शन मूवी? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि खलनायक 2 पर। दोस्तों अगर बॉलीवुड में साइको किलर वाली मूवीज ना आए तो आपको नहीं लगता कि कुछ अधूरा सा लगता है?
और इसी वजह से हर साल लगभग एक न एक मूवी तो ऐसी आती ही है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूवी फैंस को काफी पसंद है और साथ ही ऐसी मूवीज की मार्केट में काफी डिमांड भी है। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की बात करने जा रहे हैं जिसका प्रीक्वल 90s में भी फैंस को आज की कई मूवीज से ज्यादा थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल लगता है। और दोस्तों वो फिल्म संजय दत्त और सुभाष घई की लाइफ चेंजिंग मूवी भी रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी के सीक्वल की यानी की खलनायक 2 के बारे में। उन्होंने बताया कि वो पहले हो सकता है कि मूवी के ऊपर ही बेस्ड एक एनिमेटेड सीरीज बनाए और इससे दोस्तों ये भी पता चल जाएगा कि फैंस इस मूवी के लिए रेडी हैं या नहीं और साथ ही उन्हें इससे अच्छा बिजनेस करने का भी मौका मिल जाएगा। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शायद हो सकता है हमें कार्तिक आर्यन की एंट्री इस मूवी में होते हुए दिख सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि सुभाष घई को इस मूवी में पुलिस ऑफिसर के किरदार के लिए एक ऐसा हीरो चाहिए जो थोड़ा यंग तो हो ही और साथ ही जिसने अपनी एटलीस्ट 5 मूवीज ब्लॉकबस्टर दी हो ताकि इस मूवी को उनकी स्टारडम का फायदा मिल सके। तो दोस्तों इसी वजह से कार्तिक आर्यन उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। और दोस्तों वो साथ ही ऐसा रोल पहली बार निभाएंगे क्योंकि दोस्तों उन्होंने अभी तक ज्यादा कॉमेडी मूवीज में ही काम किया है और इसलिए अब सीरियस कैरेक्टर को वो कैसे निभाएंगे ये देखने लायक होने वाला है। अब दोस्तों अगर हम बात करें खलनायक के कैरेक्टर बिल्टअप के बारे में तो इस कैरेक्टर का कुछ एंटी हीरो टाइप का थीम रहता है, यानी कि ये कैरेक्टर गलत काम तो करता ही है पर इसके इंटेंशंस हमेशा गलत नहीं होते। और दोस्तों इसी वजह से एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि शायद इस कैरेक्टर को लेकर एक एंटी हीरो की सुपर हीरो एनिमेटेड सीरीज हमें देखने को मिल सकती है और साथ ही इंडिया को अपना पहला एंटी हीरो भी मिल जाएगा हॉलीवुड के वैनम की तरह। पर दोस्तों बता दूं कि सुभाष घई ऐसा करने का शायद ही सोचेंगे और इसलिए ही कह सकते हैं कि सीरीज के लिए किसी यंग डायरेक्टर को विशेष फिल्म्स एक मौका दे और फिर से एक सीरीज को लेकर एक चांस तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं कार्तिक आर्यन को इस मूवी में देखने के लिए। दोस्तों हमारे आज के राइटर हैं आकाश। कौन से हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसको खलनायक 2 के आने से पहले हमें जान लेना चाहिए और क्या खलनायक 2 में हमें इस फेमस मूवी के सिनेमाटोग्राफर दिख सकते हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बेस्ड एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि खलनायक 2 पर। दोस्तों जैसे कि हम जानते ही हैं कि कुछ अच्छी मूवीज को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और ऐसा ही कुछ हाल रहा था जब 1990 में संजय दत्त अपनी साइको किलर मूवी खलनायक लेकर आए थे और ठीक इसके आने के बाद वो बॉलीवुड में इतने फेमस हो गए थे कि दोस्तों आज भी उन्हें कई लोग खलनायक नाम से ही बुलाते हैं। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए लगभग 2 साल की ट्रेनिंग की थी ताकि उस कैरेक्टर को इतना खतरनाक बना सके कि दोस्तों जो भी इसको देखे उसको इस विलन से नफरत सी हो जाए। और ठीक ऐसा हुआ भी क्योंकि खलनायक को लोग आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन के रूप में जानते हैं और साथ ही इस कैरेक्टर पर काफी सारे स्पूफ भी बनते रहते हैं। पर दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं खलनायक 2 से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि खलनायक 2 में फिर से हमें माधुरी संजय की जोड़ी दिख सकती है पर ऐसे होने के चांसेस ब्रिटानिया 50-50 ही है। पर दोस्तों नेवर से नेवर। और माधुरी और संजय के रिलेशनशिप के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि जब खलनायक आई थी तब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और ये जोड़ी टूट गई और इसी वजह से अब फैंस इन दोनों को खलनायक 2 में देखने के लिए बेताब है और अब की बार हो सकता है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाए। और दोस्तों अगर हम बात करें आखिर कौन है वो सिनेमाटोग्राफर जिस मूवी की सिनेमाटोग्राफी करेगा तो दोस्तों जो नाम सबसे आगे आ रहा है तो दोस्तों वो नाम किसी और का नहीं बल्कि आर्थर हो सकते हैं और वो हमें इससे पहले संजय दत्त की ही मूवी भूमि में नजर आ चुके हैं और अब फिर से संजय ने उनका ही नाम सुभाष घई सर को सजेस्ट किया है। पर अभी सुभाष घई का डिसीजन है कि वो उनको ये मौका देंगे या नहीं।
तो लेकिन चलिए दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं संजय और माधुरी की जोड़ी को फिर से एक बार साथ देखने के लिए। एंड दोस्तों, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस फॉर वॉचिंग मोर सच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिगार्डिंग अपकमिंग मूवी एंड वेब सीरीज। एंड हमारे आज के राइटर हैं आकाश। खलनायक फिल्म ने कैसे माधुरी के डूबते करियर को बचाया था? क्या खलनायक सीक्वल भी इन्हें परफेक्ट कमबैक दिला सकती है? सीक्वल में माधुरी का कैरेक्टर कैसा होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 90s की सुपरहिट फिल्म खलनायक कई मायनों में एक एपिक फिल्म थी। ना केवल स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस बल्कि इसकी कंट्रोवर्सी ने भी एक मेमोरेबल फिल्म इसे बनाया था। इन्हीं कंट्रोवर्सी में से एक माधुरी दीक्षित से भी जुड़ी हुई थी, जो इनके करियर के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। कैसे खलनायक ने पहले माधुरी के डूबते करियर को बचाया और अब इसका सीक्वल इनके लिए एक धांसु कमबैक साबित हो सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। माधुरी दीक्षित की बेटा फिल्म के बाद फ्लॉप फिल्मों की तो जैसे झड़ियां ही लग गई थी, इसीलिए उस समय इन्हें एक सुपरहिट फिल्म की सख्त जरूरत थी। ये रेस्क्यू फिल्म इन्हें खलनायक के रूप में मिली, जो इनके करियर को रिवाइव कर गई। हिट की डेस्परेट नीड के चलते माधुरी ने छोली के पीछे जैसे गानों पर भी परफॉर्मेंस किया और लोगों को उनका ये डांस सीक्वेंस पसंद भी आया। पर इंडियन फिल्म्स में एक चलन है कि ये फिल्म जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी करेगी उतनी ही ज़्यादा हिट होगी। खलनायक एक मैसिव सक्सेसफुल फिल्म रही और इसका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माधुरी दीक्षित के इस गाने को भी जाता है। खलनायक के टाइम पर जिस तरीके का करियर माधुरी दीक्षित का चल रहा था, ठीक वैसा ही सिचुएशन कुछ अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं लंबे अरसे से माधुरी दीक्षित बड़े पर्दे से गायब हैं और उन्हें जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि खलनायक 2 उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक साबित हो सकता है। जी हाँ, खलनायक 2 में जल्द ही आपको माधुरी दीक्षित दिखने वाली है। हालांकि आज की ऑडियंस को अगर हम ध्यान में रख के तो हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर उतना ही इम्पैक्टफुल और जबरदस्त होना चाहिए जैसा खलनायक मूवी में देखने को मिला था। खलनायक 2 को माधुरी दीक्षित के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए और एक मैच्योर कैरेक्टर इनके लिए प्लान करना चाहिए। कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि 90s के एक्ट्रेस अभी तक अपने कमबैक में निभाते हुए नहीं दिखी हैं, जैसे कि सुष्मिता सेन की आर्या सीरीज या फिर रवीना टंडन की KGF 2 में रामिका सेन का कैरेक्टर। दोस्तों, ये तमाम कैरेक्टर ऐसे थे जो बेहद इम्पैक्टफुल थे। खास तौर पर अगर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की बात करें तो कोई फीमेल कैरेक्टर इतने इम्पोर्टेंस के साथ अगर बड़े पर्दे पर प्रस्तुत होती हैं तो निश्चित तौर पर ऑडियंस पे एक छाप छोड़ देती हैं और उन्हें पसंद भी आता है। खलनायक 2 की अगर बात करें तो माधुरी दीक्षित नेगेटिव शेड में भी परफेक्ट लगेंगी। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में बेहद कम ही ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें वो किसी नेगेटिव किरदार को निभाते हुए नजर आई हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खलनायक 2 में माधुरी दीक्षित पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करती हैं या फिर नेगेटिव। आप सभी कितने एक्साइटेड हैं खलनायक 2 के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे बॉलीवुड में 90s के कंटेंट का भारी क्रेज दिख रहा है। कहीं गाने रीमेक हो रहे हैं, कहीं फिल्में, और कुछ नहीं तो भूली बिसरी 30 साल की फिल्मों के ताजे सीक्वल अब बनाए जा रहे हैं। रीमेक और सीक्वल की इसी अद्भुत खेल में संजू बाबा की 90s हिट सड़क की भी बारी आई, जिसका सीक्वल देखा नहीं बल्कि झेला गया, और अब खलनायक का भी सीक्वल प्लान किया जा रहा है। सड़क 2 के फेल होने के कारण और उनसे खलनायक 2 क्या सीख सकती है, इसकी डिस्कशन बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में
वेलकम टू द चैनल, मैं हूँ हस्ती। सड़क टू जिस तरह सड़क पे आ गिरी है, उससे शायद लगता है कि फिल्में चलने के लिए सिर्फ हिट फ्रेंचाइजी टाइटल ही नहीं बल्कि स्टोरी और एक्टिंग भी दुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए अगर खलनायक 2 को बचाना है सीक्वल कर्स से तो इसे कुछ बेसिक एलिमेंट्स ठीक करने पड़ेंगे। इनमें सबसे पहला ही है स्टोरी फैक्टर, जो कि सड़क 2 में काफी कमजोर रहा था। डायरेक्टर महेश भट्ट ने सड़क की स्टोरी को कंटिन्यू करने के चक्कर में सीक्वल की स्टोरी काफी वीक लिखी। अल्टीमेटली वीक स्टोरी को कोई कितना ही ग्लोरिफाई करके दिखा सकता है, इसलिए खलनायक 2 के सीक्वल में स्टोरी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। पिछले फिल्म की स्टोरी को कंटिन्यू करना बेहद जरूरी भी नहीं है। कंटिन्यूएशन का एडवांटेज लेने के चक्कर में एक वीक कंसेप्ट किसी भी सूरत में हिट नहीं हो पाएगा। वहीं एक मल्टी लेयर्ड फ्रेश और इम्पैक्टफुल स्टोरी जो खलनायक थीम और संजू बाबा की प्रेजेंस को जस्टिफाई कर दे, उससे काम जरूर बन जाएगा। इसके बाद है स्टार कास्ट, जिन्हें सड़क 2 को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था लेकिन ये खुद ही रास्ता भटके हुए दिखे। शायद पुअर राइटिंग और पुअर कैरेक्टर डेवलपमेंट का असर इन बेअसर कैरेक्टर्स के जरिए देखने को मिला, जहां ना ही संजय दत्त ज्यादा इम्प्रेस कर पाए और ना ही प्रॉमिसिंग यंग गन्स आलिया और आदित्य। खलनायक 2 में बेशक स्टार पावर होना जरूरी तो है, लेकिन इससे भी जरूरी है कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप करना, क्योंकि ऑडियंस जब तक कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेगी तब तक कहाँ कोई स्टोरी अपना असल जादू बिखेर पाएगी। इसके बाद है फिल्म का म्यूजिक, इसे सड़क 2 में काफी एवरेज रखा गया था। सड़क 2 में एक ही गाना बढ़िया था और वो था फिल्म में फीचर किया गया पुरानी सड़क का गाना। सॉन्ग्स को मॉडर्न येट अपीलिंग बनाना खलनायक 2 में बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का आइकॉनिक सॉन्ग नायक नहीं खलनायक हूँ मैं आज भी सुपरहिट है। इन्हें कुछ ऐसी ही सुपरहिट म्यूजिक एल्बम क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि मॉडर्न विलानियस कैरेक्टर्स को डिफाइन करे। और लास्ट इम्प्रूवमेंट रहेगी डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सड़क 2 में महेश भट्ट 20 साल बाद कमबैक कर रहे थे और इसलिए ऑडियंस के टेस्ट को मिसजज कर गए। वहीं खलनायक 2 के डायरेक्टर सुभाष घई भी 10-12 सालों से डायरेक्शन नहीं संभाल रहे, तो शायद इन्हें भी करंट कंटेंट और ऑडियंस डिमांड से एक बार मुख्तबिक होने की सख्त जरूरत है। बेसिकली इन्हें अपनी ओल्ड स्टाइल फिल्म मेकिंग अप्रोच को थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं जो खलनायक 90s के ऑडियंस को जचा था वही सेम टू सेम अभी की ऑडियंस को भी भाएगा। खलनायक 2 में टाइगर की एंट्री से होगा बड़ा धमाका, और कौन है वो धर्मा प्रोडक्शन के फेमस डायरेक्टर जो करने वाले हैं खलनायक 2 का डायरेक्शन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। हियर आई एम योर होस्ट कम फ्रेंड अनविता पाठक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग रोमांस रिवेंज मूवी यानी कि खलनायक 2 पे। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खलनायक 2 एक अपकमिंग लव और रोमांस कहानी पर बेस्ड मूवी होगी, और इस मूवी में हमें संजय दत्त फिर से अपने खलनायक के अवतार में दिखाई देने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि खलनायक ही वो मूवी है जिसकी वजह से संजय दत्त के करियर को नई उड़ान मिली, और इसी वजह से संजू बाबा के लिए इस मूवी के अलग ही मायने हैं, और इसलिए ही जब भी उनके विलेन रोल की बात होती है तब जरूर खलनायक का जिक्र होता ही है। और बात की जाए इस मूवी के सीक्वल की, तो इस मूवी में संजय दत्त के ऑपोजिट कियारा आडवाणी देखने वाली हैं, और उनके होने से जरूर इस मूवी का परफॉर्मेंस कमाल का रहने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि कियारा आडवाणी के यंग फैंस उन्हें मूवीज में नए नए किरदारों में एक्सपेरिमेंट करते देखना काफी पसंद करते हैं और साथ ही उनको काफी प्यार भी करते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या इस मूवी में टाइगर श्रॉफ अपने पापा यानी कि जैकी श्रॉफ के रोल को निभाएंगे, तो ऐसे होने के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। वैसे तो जैकी सर को इस रोल के लिए तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, पर अब जैकी सर तो राम के जैसे एक एनर्जेटिक रोल को प्ले नहीं कर सकते, पर उनके बिहाफ में इस रोल को निभाने वाले हैं उनके ही बेटे यानी कि टाइगर श्रॉफ, और ये पहली बार होगा जब टाइगर एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर।
तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि खलनायक 2 का डायरेक्शन करने वाले हैं करण जौहर, के सबसे पसंदीदा डायरेक्टर में से एक शशांक खेतान, और उनके होने से इस मूवी को काफी कमाल का डायरेक्शन मिलने वाला है, जो इस मूवी के सीक्वल को बाकी मूवीज के सीक्वल से अलग बनाएगा, क्योंकि शशांक के लिए खलनायक 2 उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और साथ ही इस मूवी के लिए उनके बेस्ट फ्रेंड यानी कि करण जौहर उनको काफी बड़ा बजट देने वाले हैं, यानी कि पूरे 260 करोड़। और इतने बड़े बजट के होने की वजह से जरूर इस बार हमें इस मूवी में काफी कमाल की स्टोरी लाइन, एक्शन सीन्स और एक शानदार क्लाइमैक्स तो जरूर देखने को मिलने वाला है, और इसी वजह से फैंस खलनायक 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर अभी इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, तो चलिए अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर श्रॉफ को इस मूवी में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए देखने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरीगत स्टूडियोज। आज के स्क्रिप्ट राइटर है आकाश झा, दिस इज अमिता साइनिंग ऑफ, सायोनारा। खलनायक 2 के परफेक्ट एंटी हीरो, क्या खलनायक 2 बनाने का सही टाइम अभी है, क्या होगा खलनायक 2 का प्लॉट। 90s में आई संजू बाबा की खलनायक एक बॉक्स ऑफिस हिट के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी बनी रही थी। संजय दत्त की जबरदस्त लुक, किलर एक्टिंग और खासकर नायक नहीं खलनायक हूँ मैं गाने ने तो पूरे देश में ही तहलका मचा के रख ही दिया था। इसी तूफान को दोबारा वापस लाने जा रहे हैं सुभाष घई, कोशिश जारी है, लेकिन कौन होगा नया और परफेक्ट खलनायक, इसकी चर्चा आगे करते हैं इसी वीडियो में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्लोवर। वैसे तो बॉलीवुड में काफी मेन स्ट्रीम एक्टर्स नेगेटिव शेड में टाइम टू टाइम चमकते रहते हैं, जैसे कि विकी कौशल और साथ ही साथ रणवीर सिंह जो पद्मावत में आए थे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जीनियस है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्पेस में जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम संजय दत्त ने किया है उतना शायद ही कोई और जचता होगा। और खास बात यह है कि इनके विलन कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, तो बीइंग बेस्ट इन गेम संजू बाबा को ही अपनी फ्रेंचाइज खलनायक के सीक्वल में भी एंटी हीरो बने हुए दिखना चाहिए। डायरेक्टर सुभाष घई बाबा को 2016 में फाइनलाइज कर चुके थे और इवन खलनायक 2 को भी लिख चुके थे, लेकिन संजय दत्त की हेल्प के चलते ये प्रोजेक्ट कभी भी शुरू नहीं हो पाया। लेकिन बाबा के करियर की करंट सिचुएशन देख के ये लगता है कि ये डीले काफी फायदेमंद भी साबित हो सकता है, और खलनायक 2 के बनने का परफेक्ट टाइम अभी नहीं तो कभी नहीं। संजय दत्त पिछली 4-5 फिल्मों से लगातार नेगेटिव रोल करते हुए आए हैं, जैसे कि पानीपत और प्रस्थानम, और साथ ही साथ अब इनका बेस्ट आने वाला है KGF 2 के अधीरा कैरेक्टर में। अधीरा कैरेक्टर इनके करियर के लिए ऐसा कैरेक्टर बनने वाला है जैसा एवेंजर सीरीज में थानोस का है। अब KGF 2 और अधीरा कितनी बड़ी हिट होने वाली है इसका अंदाजा तो रिकॉर्ड तो टीजर और साथ ही साथ हाइप से ही हो जा रहा है, इसीलिए इस मैसिव सक्सेस का फायदा खलनायक 2 को जल्द बना के उठाया जा सकता है। उसी तरह जहां संजू के हिट होने के तुरंत बाद बाबा की साई बीवी और गैंगस्टर 3 को सक्सेसफुली प्लग इन किया गया था, सिर्फ यही नहीं इन्हें शमशेरा और पृथ्वीराज जैसी फिल्मों में भी डेडली विलन का ही कैरेक्टर है। इन सभी के बीच खलनायक 2 को अगर सही से मार्केट किया जाए तो ये काफी बड़े कारनामे भी कर सकती है। हालांकि इस बार खलनायक 2 को और भी स्ट्रॉन्गर स्टोरी की जरूरत होगी, और इसी की खबर डायरेक्टर सुभाष घई को भी बखूबी है। इन्होंने प्लॉट के नाम पे खलनायक की ही स्टोरी को कंटिन्यू करने का सोच रखा है, लेकिन फिर फिल्म पोस्टपोन होती चली गई। अब शायद ये प्लॉट आउटडेटेड लगे, ऐसे में फिल्म को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह भी बनाया जा सकता है। खलनायक में संजय दत्त की मैड परफॉर्मेंस ने काफी बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था, तो सोचो एक अनप्रेडिक्टेबल विलन के रूप में बाबा कितने ब्रूटल लगेंगे। इसी प्लॉट को अगली वीडियो कौन है
है वो एक्ट्रेस जो कर सकती है माधुरी दीक्षित को खलनायक 2 में रिप्लेस? और क्या वरुण धवन भी हमें इस मूवी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को निभाते हुए नजर आ सकते हैं? जानने इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कमदो सन्मिता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूँ आपका स्वागत। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग लव रिवेंज मूवी यानी कि खलनायक 2 पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खलनायक 2 एक अपकमिंग लव रिवेंज मूवी है और इसी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए काफी सारे डायरेक्टर्स का नाम सामने आ रहा है और वो डायरेक्टर्स हैं मोहित सूरी, लव जैन, कबीर खान और महेश भट्ट। और इन सारे डायरेक्टर में सबसे आगे जिसका नाम आ रहा है वो है महेश भट्ट। अब अगर महेश भट्ट इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे तो इस मूवी का ब्लॉकबस्टर होना तो तय होगा, क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं महेश सर कितने कमाल के डायरेक्टर हैं और उनकी मूवीज कितना अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं बॉक्स ऑफिस पर। पर एक बात ये भी है कि महेश भट्ट की लास्ट मूवी थी सड़क 2, जिसको आज तक की सबसे लो रेटिंग मिली है IMDb पर, तो इसकी वजह से उन्हें इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें कि कौन है वो एक्ट्रेस जो माधुरी दीक्षित को रिप्लेस कर सकती है इन खलनायक 2, तो वो एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि कृति सेनन ही हैं और उनके होने से जरूर इस मूवी को फायदा ही होगा, क्योंकि कृति सेनन अभी के टाइम में काफी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं और वो अकेले खुद के दम पर मूवीज को सुपरहिट बनाने का दम रखती हैं। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल है उनकी हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिमी। और हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मूवी में कृति ही लीड भूमिका निभा रही हैं और उन्होंने अपनी एक्टिंग और शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया है और उनकी एक्टिंग की तो काफी तारीफ भी हो रही है और मूवी क्रिटिक्स के द्वारा। तो जब इनका इन्वॉल्वमेंट खलनायक 2 जैसे आइकॉनिक मूवी में होगा तो ये बात देखने लायक रहेगी कि वो मूवी के लीड एक्टर को कहीं अपनी एक्टिंग से ओवरशैडो ना कर दें। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि खलनायक में जैकी श्रॉफ का भी काफी इम्पोर्टेंट रोल था, तो इसी रोल के लिए वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है किसी और अच्छे एक्टर को। खबरें हैं कि उनकी जगह ले रहे हैं बॉलीवुड के काफी एनर्जेटिक एक्टर यानी कि वरुण धवन, और बहुत दिन बाद होगा जब वो किसी सीरियस कैरेक्टर को प्ले करेंगे, क्योंकि उनकी लास्ट कुछ मूवी कॉमेडी कैरेक्टर्स पर बेस्ड रही हैं जैसे कि जुड़वा 2 और कुली नंबर 1। पर इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो किया लेकिन उसकी स्टोरी फैंस को उतनी पसंद नहीं आई, इसलिए वरुण ने इस मूवी में सीरियस रोल प्ले करने का डिसीजन लिया है और वो पुलिस ऑफिसर के रोल को भी निभाने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो अब ये मूवी वरुण के लिए बदलापुर बनेगी या फिर कलंक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं वरुण धवन को। करेगा साउथ इंडस्ट्री का ये बड़ा सुपरस्टार और कब तक हमें ये मूवी देखने को मिल सकती है? हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है अपकमिंग रोमांस थ्रिलर मूवी यानी कि खलनायक 2 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं खलनायक 2 एक अपकमिंग रोमांस थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को लेकर फैंस में अलग ही लेवल का क्रेज रहा है। पर हर साल फैंस इस मूवी का इंतजार करते हैं पर ये मूवी हर बार ड्यूमर्स में ही रह जाती है और फैंस को बार बार नाकामी ही लगती है। पर अब इस साल लग रहा है ये मूवी सिर्फ रूमर्स नहीं बल्कि सच में फैंस के बीच आने वाली है और कहा जा रहा है मूवी की कास्ट पूरा चेंज हो सकता है, पर संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का इस मूवी में एक कैमियो तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ इसके पीक्वल से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम बात करें वो कौन सा एक्टर है जो संजय दत्त को इस मूवी में रिप्लेस कर सकता है, तो वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री के रॉकिंग सुपरस्टार यानी कि यश है और उनके होने से इस मूवी को चार चांद लगने वाले हैं। और बात की जाए इनका नाम इस मूवी के लीड एक्टर की लिस्ट में कैसे आया, तो जब कुछ दिन पहले संजय दत्त को खलनायक 2 के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि इस बार तो इस मूवी में हमें भी देखेंगे और साथ ही साथ उनका मानना भी है कि आइकॉनिक रोल के लिए सबसे बेस्ट एक्टर यश हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने KGF 2 जैसी बड़ी मूवी में उनके साथ काम भी किया है और यश में खलनायक बनने की सारी क्वालिटीज और सबसे बड़ा रीजन है उनका लुक, क्योंकि खलनायक में संजय दत्त ने काफी बड़ी बियर्ड और हेयर रखे थे और अभी वैसा ही लुक यश का भी है।
और उन्हें ऐसे रोल्स को करने का काफी एक्सपीरियंस भी है। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि टॉलीवुड के रॉकी भाई हमें बॉलीवुड में अपने डेब्यू करते हुए दिख जाए, वो भी खलनायक 2 जैसे आइकॉनिक मूवी में। और एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, और वो बात ये है आखिर कब तक हमें ये मूवी थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। तो कुछ रूमर्स के अनुसार जैसे ही संजय दत्त और यश KGF 2 की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है उनका ध्यान अब डायरेक्ट खलनायक 2 पर ही जाए और इस मूवी की शूटिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट भी कर दे। पर इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है मेकर्स की तरफ से, और वो भी पर जैसे ही मेकर्स इस मूवी को बनाने का मन बनाएंगे तो हो सकता है कि इस साल के दिसंबर से हमें इसकी शूटिंग स्टार्ट होते हुए देखें और नेक्स्ट ईयर के दिवाली तक हम जरूर मूवी को थिएटर्स में देखने का मौका मिल जाए। क्या अभी तैयार है दिवाली के मौके पर खलनायक 2 की झलक पाने के लिए? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। तब तक के लिए अलविदा। किससे होगा इस बार संजय दत्त का सामना? कौन से बच्चे को वापस से 30 साल बाद कास्ट करने का सोच रहे हैं सुभाष रही अपनी फिल्म में? क्या होगी खलनायक 2 की स्टोरी? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म खलनायक 2 से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जैकी श्रॉफ को फिल्म हीरो में बतौर मेन लीड लॉन्च करने वाले हिंदी सिनेमा के दूसरे शोमैन सुभाष गई ने एक बच्चे को पहला शगुन दिया और ये ऐलान किया कि इस बच्चे का पहला सिंगिंग अमाउंट है और जब भी ये बच्चा बड़ा होगा तो पहली फिल्म उनके साथ ही करेगा। उस बात को 30 साल बीत चुके हैं। जय हिम्मत, पूरी दुनिया में टाइगर श्रॉफ के नाम से मशहूर हो चुके हैं और सुभाष गई की किसी फिल्म में उनका काम करना अब भी बाकी है। जी हाँ, वो छोटा बच्चा कोई और नहीं, बॉलीवुड का उभरता सितारा टाइगर श्रॉफ ही है। अपने 30 साल के इंतजार के बाद वो वादा जल्द पूरा होता देखा जा सकता है। 1993 में आई खलनायक फिल्म के सीक्वल की खबरें सामने आ रही है और उसमें हमें हीरोपंती के हीरो यानी कि टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आ सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प लगेगा क्योंकि जैकी श्रॉफ की बतौर हीरो जहां पहली फिल्म हीरो रही, वही टाइगर की भी फिल्म का नाम हीरोपंती ही था। बाप बेटे का नाम पिछले कुछ महीनों के लगातार बात किए जा रहे हैं और साथ ही साथ टाइगर सुभाष गई की अगली फिल्म खलनायक 2 में देखे जा सकते हैं। तो अगर टाइगर इस फिल्म में नजर आएंगे तो कैसी हो सकती है इस फिल्म की स्टोरी? संजय दत्त जब जेल में थे तो उस वक्त वो सुभाष गई को लेटर लिखा करते थे और लेटर में खलनायक 2 की स्टोरी से जुड़े बातें सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, खलनायक 2 में हमें संजय दत्त की जेल से छूटने से शुरू होगी फिल्म की कहानी और अब माधुरी और जैकी श्रॉफ का एक बेटा यानी कि टाइगर श्रॉफ अब बड़ा हो गया है। अब हमारे खलनायक संजय दत्त यानी बल्लू बलराम का निशाना होगा माधुरी और जैकी का बेटा यानी कि टाइगर श्रॉफ। तो अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले इस सीक्वल में संजय दत्त और टाइगर का आमना सामना देखा जा सकता है, पर अभी तक इस पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्त, तो देखते हैं कि असल में जब कहानी से पर्दा उठेगा तो क्या वो ऐसी ही होगी या फिर कुछ और होगी। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आने वाली खलनायक 2 में आपको विलन के रूप में किसकी जोड़ी देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें। तब मैं गुंडा कातिल
जेल से भागा हुआ मुजरिम। टाइगर की जगह खलनायक 2 में किस कलाकार की चमकने वाली है किस्मत और क्या इस बार फिर संजय दत्त निभाएंगे खलनायक का किरदार, कौन नजर आने वाला है माधुरी के बेटे के रूप में। नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म खलनायक 2 से जुड़ी कुछ रोचक बातें। खलनायक फिल्म के खलनायक बल्लू बलराम के किरदार से फेमस संजय दत्त की फिल्म का सीक्वल जल्द ही आने वाला है। फिल्म में जहां संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ हमें लीड कैरेक्टर में नजर आए थे, वहीं बन रहे इसके सीक्वल में भी खलनायक की मेन कास्ट हमें खलनायक 2 में भी नजर आने वाली है। पर खलनायक 2 में जल्द ही एक नामचीन चेहरा और जुड़ने वाला है। दरअसल खलनायक 2 की कहानी बल्लू बलराम के जेल से वापस आने के बाद की कहानी है और वहीं माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ का बेटा भी अब काफी बड़ा हो चुका है। जहां सबकी निगाहें माधुरी और जैकी के बेटे पर टिकी है कि कौन इस फिल्म में इस किरदार को निभाने वाला है। फिल्म के सीक्वल बनने की जब से खबर आई है तब से जैकी श्रॉफ के रियल लाइफ बेटे की रियल लाइफ बेटे बनने की खबर सुर्खियों में है, पर इस पर अभी कोई पक्की खबर नहीं आई है। हो सकता है कि टाइगर की जगह हमें कोई दमदार फेस इस फिल्म में दिखाई दे, टाइगर जैसे ही या फिर टाइगर से बेहतर, जो कि टाइगर खुद मानते हैं, ऐसे ही एक चेहरे की खोज है फिल्म मेकर्स को। टाइगर की तरह डांसिंग में जबरदस्त हॉट बॉडी, लक्ष्य और सुपर 30 जैसी कई हिट फिल्मों में एक्टिंग करने वाले एक्टिंग के गुरु ऋतिक रोशन को भी इस फिल्म में कास्ट किया जा सकता है। यूं तो दोनों ही एक्टर इस साल कई सारी फिल्मों में बिजी हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त फिल्म को अपने हाथ से कौन छोड़ना चाहेगा। यूं तो इंडस्ट्री में काफी सारे एक्टर्स हैं, लेकिन एक बेटे के रोल को करने के लिए एक यंग एक्टर की जरूरत है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल है। वैसे कई सारे डायरेक्टर्स ने सिद्धार्थ को इस फिल्म के लिए अप्रोच भी किया है, तो अब फिल्म में सिद्धार्थ के आने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा सितारा चमकाएगा अपनी किस्मत खलनायक 2 से। तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस सितारे को खलनायक 2 में देखना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे। टिल देन हैव अ सेफ टाइम। फॉर्म दिखेगा खलनायक 2 में नई नाटक के तौर पर। क्या खास बात ही खलनायक फिल्म है। फॉर्म दिखेगा खलनायक 2 में मेन एक्टर के तौर पर। क्या खास बात थी खलनायक फिल्म में। आखिर क्यों खलनायक 2 की बात सुनकर चौकी माधुरी दीक्षित। पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सिमरन ग्रोवर। टाइगर श्रॉफ आज की जनरेशन के एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं। खबर आ रही है कि टाइगर जल्द ही 1993 की रिलीज संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले भी फिल्म के रीमेक को लेकर चर्चा हुई थी। अब फिर से ये बात सामने आई है कि जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक की कहानी को इसके सीक्वल में आगे बढ़ाया जाएगा। फिल्म की कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। इसके अलावा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की खोज भी शुरू की जा चुकी है। जल्द ही फिल्म की एक्ट्रेस का ऐलान भी हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ खलनायक में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ चुके हैं। फिल्म में जैकी की एक्टिंग की भी काफी तारीफ की गई थी। टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। टाइगर श्रॉफ की आखिरी रिलीज फिल्म बागी फ्रेंचाइजी की बागी थी। यह फिल्म इस साल मार्च में रिलीज हुई थी। पहले ओपनिंग वीक में फिल्म बागी 3 को 87 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था। बागी 3 को अहमद खान ने निर्देशित किया था और इसे सानी तालियावाला ने प्रोड्यूस किया था। टाइगर श्रॉफ जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं।
टाइगर की फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा टाइगर बागी 4 और हीरोपंती 2 में दिखाई देंगे। टाइगर की हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग 25 देशों में की जाएगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग दुनिया भर के 12 देशों में होगी। जी हाँ दोस्तों, हीरोपंती और बागी की फ्रेंचाइजी को मिले अपार प्यार और प्रशंसा के साथ साजिद और टाइगर दोनों उत्साहित हैं। संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर खलनायक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में संजय ने खलनायक का किरदार निभाया था। खलनायक की सफलता में माधुरी दीक्षित के सुपरहिट गाने चोली के पीछे क्या है का भी अहम योगदान था। फिल्म खलनायक के डायरेक्टर सुभाष रई ने कुछ दिनों पहले मीडिया को जानकारी दी है कि वो इसके सीक्वल पर काम कर रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट लगभग तैयार हो चुकी है। माधुरी से जब खलनायक 2 के बारे में बात की गई थी तो वो कुछ हैरान थी और उन्होंने बताया कि खलनायक 2 के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि यह मेरे लिए भी एक नई खबर है। जी हाँ दोस्तों, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह तो मेरे लिए सरप्राइज है। अगर यह फिल्म बन रही है तो सब कुछ निर्माताओं के ऊपर होगा कि वो इसे कब और कहां शूट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही चीजें साफ हो जाएंगी। तो क्या लगता है आपको, क्या इस फिल्म में माधुरी के नहीं होने की वजह से उन्हें नहीं पता था कि उनकी हिट फिल्म का सीक्वल कब आ रहा है? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा। नई हीरोइन दिख सकती है खलनायक 2 में? क्या वापस से खलनायक 2 में एक नई लव स्टोरी देखने को मिलेगी? संजय दत्त के किस किरदार ने मचा रखा है इंडस्ट्री में बवाल? नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खलनायक 2 से जुड़ी कुछ रोचक बातें। जिंदगी के नाटक में एक होता है नायक और एक खलनायक। ठीक वैसे ही बॉलीवुड में भी बस एक ही खलनायक है और वो है बल्लू बलराम उर्फ संजय दत्त। तो दोस्तों, जल्द आ रही है खलनायक फिल्म का सीक्वल, जिसमें वापस से अपना विलन रूप दिखाने आ रहे हैं बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त। संजय दत्त के विलन रूप के चर्चे बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक चल रहे हैं। एक तरफ सुभाष घई की फिल्म में विलन के चर्चे और दूसरी ओर प्रशांत नील की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के अधीरा के चर्चे। अब ऐसे में संजू बाबा जल्द ही विलन के किरदार में दो अलग अलग खलनायक रूप में दिखाने वाले हैं अपने अंदाज। फिल्म के सीक्वल को लेकर सुनने में आया है कि माधुरी दीक्षित का बेटा बड़ा हो गया है और वो अब खलनायक 2 में लीड रोल में नजर आने वाला है। ऐसे में अब उसका सामना होगा खलनायक बल्लू बलराम से। तो भाई, अब अगर हीरो की चर्चा शुरू हो गई है तो हीरो की हीरोइन तो होना लाजमी है ना। जैसा हम खलनायक 1 में देख चुके हैं माधुरी और जैकी की लव स्टोरी, दमदार विलन ड्रामा से भरी लव स्टोरी के तड़के के साथ खलनायक फिल्म में इतनी वाहवाही लूटी कि अब इसके सीक्वल को लेकर लोगों में काफी आशाएं लागी हुई हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, दमदार हीरो की एंट्री होगी तो हीरोइन भी दमदार ही होगी और फिर वापस से खलनायक 2 में एक लव स्टोरी ड्रामा और वही खलनायक अंदाज में फिल्म की लव स्टोरी देखी जा सकती है। अब ऐसे में तो इंडस्ट्री में काफी हीरोइन है, पर चर्चा में इस समय हीरो के लिए टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में टाइगर के टक्कर की हीरोइन देखी जाए तो उनकी रूमर गर्लफ्रेंड दिशा पाचनी इस रोल के लिए सेट बैठती हैं। दोनों की ऑन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी बेहतरीन भी है। अब देखना यह है कि क्या यही कास्टिंग हमें असल में भी देखने को मिलती है या नहीं।
तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आने वाली खलनायक 2 में आप टाइगर संग किस हीरोइन को देखना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। क्या खलनायक के किरदार फिल्म खलनायक की स्टार्स की डेली अपडेट क्या है? इस फिल्म के एक्टर्स और कौन कौन से फिल्म में नजर आने वाले हैं? क्या इस फिल्म में हमें एक्टर संजय और टाइगर एक साथ एक एक्शन सीन में नजर आएंगे? आफ्टर 28 इयर्स डायरेक्टर सुभाष घाई ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म की सीक्वल की बात की तो लोगों में कई तरीके के रिएक्शंस देखने को मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1993 की आइकॉनिक फिल्म खलनायक की सीक्वल खलनायक 2। आज इस वीडियो में इस फिल्म से जुड़े सारे लीडिंग एक्टर्स की और उनकी डेली अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे, जहां इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म की सीक्वल में भी इस फिल्म के कास्ट की रिपीट होने की खबर दी है। वहीं हमें इस फिल्म के कास्ट के एक साथ एक और नए एक्टर की एंट्री की भी खबर मिली है, जहां हमें लीड रोल्स में एक्टर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नजर आने वाले हैं। अब इस लीडर्स की डेली अपडेट की शुरुआत हम करेंगे हमारे सुपरस्टार संजय दत्त से। अगर हम हमारे स्टार की बात करें तो ये अपनी हेल्थ इश्यूज से काफी परेशान थे। वो अपनी काफी लंबी लड़ाई कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे। वहीं अपने देश वापस आने की खबर से वो काफी हेडलाइंस भी बटोर चुके थे, लेकिन एक्टर ने 2-3 वीक के बाद ही वापस दुबई जाने का फैसला ले लिया और फिलहाल वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दुबई में पैंडेमिक का नॉर्मलाइज होने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक्टर अपनी आने वाली फिल्म के GF चैप्टर 2 और फिल्म वुड द प्राइड ऑफ इंडिया को लेकर भी काफी हाइलाइट्स पे है। अब इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टार के बारे में। हमारे नेक्स्ट स्टार हैं एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्टर जैकी श्रॉफ। हमें ये फादर सन की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर एक साथ बागी 3 में देखा गया था। अब फिर से इनके साथ आने की खबर है। अब देखा जाएगा कि इस बार इनकी जोड़ी क्या धूम मचाती है। खबर ये है कि टाइगर श्रॉफ संजय दत्त का यंगर वर्जन का रोल में नजर आने वाले हैं, और आज हम इन दोनों की अपडेट लेंगे, जहां हमारे सीनियर श्रॉफ ने अपने बेटे की लव लाइफ के बारे में कहा कि वो अपने बेटे के लव लाइफ के बारे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उनके हिसाब से एक्टर की कई फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स के यूमर्ड गर्लफ्रेंड यानी एक्ट्रेस दिशा पत्नी और वो एक बेस्ट फ्रेंड है और वो उनके हर डिसीजन में उनको सपोर्ट करते हैं। वहीं जूनियर एक्टर श्रॉफ इन दोनों को ने ये कहा कि वो अपनी अगली फिल्म एक विलन रिटर्न जैसे फिल्मों के लिए काफी बिजी है। और इस बात क्या दर्शकों पर खलनायक के सीन्स का है नेवर एंडिंग इफेक्ट? किसने की थी खलनायक की अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी? खलनायक के सिनेमाटोग्राफर किस किस फिल्म में दिखा चुके थे ये कमाल? इस बार कौन करेगा खलनायक 2 की सिनेमाटोग्राफी पर काम? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहाँ आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
आपको पता है कि खलनायक के हिट होने के बहुत से कारण थे, लेकिन क्या उस समय भी फिल्मों में ऐसे इफेक्ट्स होते थे? इसी वजह से खलनायक के सिक्वल का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, फिल्म मेकिंग के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है सिनेमेटोग्राफी, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। राइटर ने जो स्टोरी लिखी और डायरेक्टर ने जो कल्पना की, उसी का इमोशन के हिसाब से विजुअलाइजेशन करके स्क्रीन पर प्रेजेंट करना ही सिनेमेटोग्राफी कहलाता है। कौन से शॉट में कैमरा का मूवमेंट क्या होगा, शॉट की फ्रेमिंग क्या होगी, फ्रेम कैसा रखना है, फ्रेम का रेट क्या होगा, लाइटनिंग, टाइमिंग, लेंस कलर, इन सभी बारीक बातों का ध्यान सिनेमेटोग्राफी के तहत रखा जाता है। अगर कोई फिल्म स्क्रीन पर अच्छी दिखती है तो इसमें सिनेमेटोग्राफर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, आज हम बात करेंगे 1993 की हिट फिल्म खलनायक के सिनेमेटोग्राफर की। हिंदी सिनेमा के मशहूर सिनेमाटोग्राफर अशोक मेहता ने न केवल खलनायक बल्कि बैंडेड कवीन, 36, चोरिंग एंड गेलन मॉक्स और उत्सव जैसी फिल्म्स में भी अपनी कला दिखाई थी। इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड जैसे सम्मान भी हासिल किए थे। 15 अगस्त 2012 में हमने इस महान आर्टिस्ट को तो खो दिया, पर इनके किए हुए काम आज भी हमारे दिल जीत रहे हैं। खलनायक में हर सीन को परफेक्ट लाइटनिंग और विजुअलाइजेशन के साथ दिखाया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त के इमोशनल और एग्रेसिव सीन्स, माधुरी का डांस और जैकी श्रॉफ के एक्शन सीन्स को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया। अब देखने वाली बात ये होगी, खलनायक 2 या खलनायक रिटर्न्स के लिए कौन सिनेमेटोग्राफी करेगा? क्या वो असीम मिश्रा होंगे, वरुण मुखर्जी होंगे या फिर बॉबी सिंह? अब तक आप कीजिए खलनायक के सिक्वल का इंतजार और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए कि आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी फेवरेट अपकमिंग मूवीज के बारे में आपको अपडेट्स देते रहे। साथ ही हो क्या इस फिल्म की स्टोरी में हमें संजय दत्त के बेटे का रोल देखने को मिलेगा? क्या यह फिल्म बस एक पुराने नाम के साथ एक नई स्टोरी होगी? खलनायक 2 को लेकर क्या है डिफरेंट फैन स्टोरीज? किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले ऑडियंस उस फिल्म के बारे में खुद ही ख्याली पलाव ज़रूर बनाती है। कभी वो खुद के डायलॉग्स क्रिएट करती है तो कभी खुद के स्टोरीज बनाती है। आज हम एक ऐसी ही 90s की आइकॉनिक मूवी की बात करेंगे, जब डायरेक्टर सुभाष घाई ने अपनी फिल्म खलनायक की सीक्वल यानी खलनायक 2 की बात की तो लोगों में हमेशा इस फिल्म की स्टोरी को लेकर अलग अलग उत्साह देखने को मिला।
जहां इस फिल्म के फर्स्ट ओरिजिनल फिल्म में हमें नजर आए थे संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, वहीं जब हमने ऑडियंस से इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के सीक्वल की जब बात की तो हमें कई मिक्स एंड मैच रिएक्शंस देखने को मिले। कहीं कोई फिर से एक्टर संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को एक साथ देखना चाहता है तो कहीं कोई लोग फिल्म में नए सितारे होने की संभावना जता रहे हैं। साथ ही इसी बीच हमने सभी से इस मूवी से रिलेटेड उनकी अज्यूम स्टोरी भी जानने की कोशिश की। इतने में हमें कई अनोखी कहानियां मिली और हम इसे आपसे शेयर किए बिना तो रह ही नहीं सकते। जब नाम आता है खलनायक का और इस फिल्म की जब सीक्वल की बात कही गई तो ऑडियंस का कहना है कि उन्हें लगता है कि इस फिल्म से इसके पुराने विलन यानी बल्लू के रोल की वापस आने की संभावना है और फिर नए सिरे से गलत काम को वो अंजाम देंगे। जहां इस फिल्म में हमें कोई नया एक्टर पुलिस के रोल में नजर आना चाहिए और वहीं से ये खलनायक 2 कंटिन्यू होगी, एक चोर पुलिस की कहानी। वहीं खलनायक 2 में नए कैरेक्टर्स के साथ ये फिल्म भी शुरू की जा सकती है। वहीं और फैंस के रिएक्शन हमें जानने को मिले, जहां एक फैन ने कहा कि ये कम्प्लीटली न्यू स्टोरी होगी विद न्यू कास्ट, न्यू कैरेक्टर्स, न्यू रोल्स, न्यू प्लॉट, सब कुछ, जहां हमें बॉलीवुड से एक नए खलनायक से रूबरू करवाया जाएगा। कई स्टंट्स होंगे, एक रोमांटिक कपल नजर आएगा, यह फिल्म आजकल की थ्रिलर एक्शन मूवी से मैच करने लायक होगी, जहां थोड़ा बहुत 90s का टच देखने को मिलेगा। ये बल्लू के बेटे बनकर कई इंडस्ट्री में वापस आएंगे खलनायक, जो अपने पिताजी के सारे अत्याचारों का बदला लेंगे और एक तरफ वो अच्छे का रोल करेंगे और दूसरी तरफ वो गलत कामों का भी रोल करेंगे। इस फिल्म के बारे में जैसे इस फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि यह फिल्म एक कंटिन्यूएशन होगा, वहीं इस फिल्म में हमें एक्टर संजय दत्त भी नज़र आएंगे और फिर इस फिल्म से जुड़ेंगे नए एक्टर्स भी। इस फिल्म में हमें संजय दत्त का यंगर वर्जन भी नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हमें कई स्टंट्स और एक्शन भी देखने को मिलेगा। सो इससे बेटर फैंस के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है क्या? और हमें पता है आप इस फिल्म से जुड़ी सारी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, तो फिकर मत करिए बॉस, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। छोटे शब्द हैं समझ नहीं आता कि साथ रहो कुछ हो जाता आज तो अरे और जो क्या खलनायक इस कंप्लीट स्टोरी की एंडिंग होगी? हमें खलनायक 2 में किसका कौन सा रोल देखने को मिलेगा? क्या ये फिल्म अपने ओरिजिनल फिल्म की कंटिन्यूशन है या फिर एक रीमेक होगी? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉडी ग्लैड स्टूडियोज में। जब जब लोग सुनते हैं नायक की तो उनके जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है खलनायक। और इस नाम से सबका दिल जीत लेने वाले सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नाम आता है और वो है गैंगस्टर बल्लू बलराम। आज हम बात कर रहे हैं 1993 की एक्शन क्राइम फिल्म की, जिसे सुभाष खे द्वारा डायरेक्ट किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था। इस फिल्म ने बॉलीवुड में सारे विलन की एक अलग पहचान दी और एक नया मुकाम दिया, जहां लोगों ने विलन को भी उतना ही प्यार दिया जितना कि उन्होंने इस फिल्म के हीरो को दिया था। आज हम इस फिल्म की सीक्वल फिल्म यानी कि खलनायक 2 की बात करेंगे, जो जल्द ही ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। फिल्म खलनायक जो 1993 में रिलीज की गई थी, उसकी सीक्वल फिल्म होगी खलनायक 2, जिसे रिलीज किया जाएगा 2021 में। जी हाँ, फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी का कॉन्टिन्यूएशन फिल्म खलनायक 2 होने वाला है, जहां इस फिल्म के मेन लीड रोल में हमें एक्टर संजय दत्त, एक्टर जैकी श्रॉफ और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नजर आते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि बलराम बल्लू प्रसाद यानी कि संजय दत्त को इस फिल्म में इंस्पेक्टर राम यानी कि जैकी श्रॉफ अरेस्ट कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें बल्लू के बॉस तक पता चल जाएगा। इस दौरान बल्लू जेल से भाग जाता है, जहां इंस्पेक्टर राम अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि गंगा से मिलने जाते हैं, जिससे कि इंस्पेक्टर के ऊपर कई बदनाम और दाग लग जाता है।
इंस्पेक्टर राम को बेगुनाह साबित करने के लिए, उन्हें सबके सामने अपनी रेपुटेशन वापस करने के लिए गंगा एज अ स्ट्रीट गर्ल का नाटक करती है और बल्लू के पास जाती है, और जहां उन्हें पता चलता है कि कैसे बल्लू इस हालत से बेबस होकर इस तरह से काम करता था जिसकी वजह से आज वो एक दरिंदा है। और बीच में कई सस्पेंस आए, कहानी के रुख बदलते हैं और लास्ट में स्टोरी खत्म होती है जहां बल्लू खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है और फिर जहां गंगा और इंस्पेक्टर राम फिर से एक हो जाते हैं। स्टोरी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, ऑडियंस एक्सपीरियंस करते हैं, मगर हर बदलती सीन से उन्हें ऑडियंस पर अपना अलग जादू बिखरा जाता है। वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस स्टोरी को बढ़ाते हुए कहा कि इस फिल्म की कंटिन्यूशन में हमें देखेगा कि कैसे ये स्टोरी रिवॉल्व होगी गैंगस्टर बल्लू बलराम पर, जहां वो जेल में अपनी सजा खत्म करने के बाद आते हैं और उसे अपना चलता है कि गंगा और इंस्पेक्टर राम की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं, और फिर ये स्टोरी आगे बल्लू के जिंदगी के बारे में होगी जहां हमें बल्लू के ओल्ड वर्जन के बारे में देखने को मिलेगा, उनके यंग वर्जन के बारे में देखने को मिलेगा और जो होंगे टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, अब ऑडियंस को इंतजार है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और लोग बेसब्री से एक्ट्रेस और एक्टर का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आप घबराए ना, इस फिल्म से जुड़ी सारी छोटी सी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब। क्या कोई और मूवी भी बनी थी खलनायक के नाम के साथ? किस वजह से खलनायक के नाम चोली के पीछे क्या है रखा जाने वाला था? क्या सच में थी खलनायक एक यूनिक स्टोरी? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सिमरन ग्रोवर और आज मैं आपको सुभाष खरे की अपकमिंग मूवी खलनायक 2 के रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और हमारे YouTube चैनल बॉडीग्राड स्टूडियोज को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो। दोस्तों, एक इंटरव्यू में सुभाष खरे और संजय दत्त ने अपनी अपकमिंग मूवी खलनायक 2 के बारे में एक अनाउंसमेंट की थी। जी हाँ, दोनों ने ही कंफर्म किया था कि मूवी के लीड रोल में यानी कि बल्लू बलराम के किरदार में रहेंगे टाइगर श्रॉफ और वही मूवी के लीड एक्ट्रेस के रोल में होंगी कृति सनन। जी हाँ, आपने सही सुना, कृति सनन। दरअसल टाइगर श्रॉफ को पहले इंस्पेक्टर राम के किरदार में सोचा जा रहा था मेकर्स ने, मगर क्योंकि खलनायक मूवी में इंस्पेक्टर राम के किरदार के लिए जैकी श्रॉफ थे, इसलिए टाइगर श्रॉफ ने अपने पापा का किरदार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने पापा का किरदार में कैसे काम कर सकता हूँ, जितना प्यार उनकी ऑडियंस उन्हें करती है मैं तो उसकी केवल कल्पना कर सकता हूँ, मगर उन्हीं के किरदार को निभा नहीं सकता। वहीं दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि खलनायक मूवी किस हालातों में रिलीज हुई थी, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि खलनायक और खलनायिका ये दोनों मूवी एक साथ ही बनी थी और इन दोनों मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ खास अंतर नहीं था, इसलिए खलनायक मूवी को सुभाष खरे ने डायरेक्ट किया था और खलनायिका मूवी को भी सावन कुमार ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, और खलनायिका मूवी का टाइटल फीमेल नेम जैसा लगता था
और इसी वजह से सुभाष घई ने सावन कुमार के अगेंस्ट केस भी फाइल किया था। दोनों मूवीज के नाम सुनने में एक जैसे ही है और इससे दोनों ही हानि को पहुंच सकती है, मगर बाद में इस केस को खारिज कर दिया गया था। वही घाय के खलनायक मूवी के नाम को लेकर तो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मूवी से परेशान थे और उन्होंने मूवी का नाम चोरी के पीछे क्या है रखने का फैसला भी कर लिया था। मगर उन दिनों सुभाष घई का के फैक्टर जो चल रहा था, उस समय घाई ने फिल्म कालीचरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसे सुपरहिट मूवी को बनाया था और कहीं ना कहीं घाई को उनकी सफलता की राज के पीछे लगा कि उन्होंने इस वजह से मूवी का नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं चोली के पीछे क्या है इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद इस सॉन्ग को बैन किया गया था और जिसकी वजह से गाने के स्टार्टिंग के लाइन्स है, मगर कहते हैं ना कि किसी चीज को ज्यादा रोका कर रखे तो वो और बड़े पैमाने पर सामने आती है और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ उस सॉन्ग के साथ भी। ये गाना बैन होने के बाद भी इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि लोग माधुरी दीक्षित को चोली के पीछे क्या है डांस करने वाली एक्ट्रेस कहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, और इस गाने का सबसे पहला रीमिक्स 1994 साल बली सागू ने अपनी एल्बम बॉलीवुड फ्लैशबैक में किया था। मगर दोस्तों, क्या घाई ने ऐसी मूवी इससे पहले कभी नहीं बनाई? तो जवाब है हाँ। चौंक गए ना, दरअसल घाई ने खलनायक मूवी से पहले भी लगभग सेम स्टोरी लाइन की मूवी पहले भी बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, साल 1981 में रिलीज हुई क्रोधी, जिसमें धर्मेंद्र ने नेगेटिव रोल प्ले किया था और उसकी स्टोरी भी काफी हद तक खलनायक से मिलती जुलती थी। वहीं अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने देवा मूवी बनाई थी, मगर कुछ अनकही वजह से मूवी कभी रिलीज नहीं हो पाई थी। जी हाँ दोस्तों, मगर कहा जाता है ना कि देवा की स्क्रिप्ट को ही घाई ने खलनायक में इस्तेमाल किया था और संजय दत्त ने अमिताभ बच्चन के किरदार को ही खलनायक में निभाया था। जी हाँ दोस्तों, मगर क्या देवा की रिलीज होने के बाद भी खलनायक मूवी एक सुपरहिट मूवी बन पाती? क्योंकि दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिग बी का स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव रोल में हो या फिर पॉजिटिव रोल में हो। मगर अब बात है खलनायक 2 की, जिसमें सुभाष घई का कहना है कि उन्होंने मूवी की स्टोरी लाइनिंग संजय दत्त की रियल लाइफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से ली है और इसीलिए उन्होंने हीरोपंती करने वाले टफ एक्टर को बल्लू बलराम के रोल के लिए चूज किया है। मगर क्या ये मूवी बनेगी टाइगर श्रॉफ के लिए लकी चार्म या फिर इसके पीछे हो सकता है बहुत बड़ा राज? अब इसे जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार, मगर तब तक के लिए आप हमें अपनी कमेंट्स में राय बताएं और क्या फिर से घाई के फैक्टर दिखाएगा कोई कमाल? कैसा होगा टाइगर का नया लुक? कौन कौन रहेगा मूवी में मुख्य किरदार? अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीक्रैट स्टूडियोज। हम लेते हैं
क्यों 1997 के बाद एक साथ नहीं दिखे संजय और माधुरी? क्या सुभाष घई सच में बना रहे हैं पहला सीक्वल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खलनायक 2 की और जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सुभाष घई ने अपनी अपकमिंग मूवी खलनायक 2 का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि एक बार फिर से बॉलीवुड की दोनों हॉट जोड़ीज को वो एक साथ लाने वाले हैं। यानी कि नए किरदार में टाइगर श्रॉफ बनेंगे बल्लू और कृति सेनन बन सकती हैं गंगा, और साथ ही 90s की ऑफ स्क्रीन पेयर संजय और माधुरी भी एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। मगर क्या आपको पता है कि माधुरी और संजय ने साल 1988 में खतरों के खिलाड़ी मूवी से एक साथ स्क्रीन शेयर करना शुरू किया था, और उसके बाद उन दोनों ने कानून अपना अपना, साजन, खलनायक जैसी हिट मूवीज भी दी साथ में। मगर साल 1997 में महानता मूवी में उन्हें लास्ट टाइम एक साथ काम करते हुए देखा गया, और उसके 22 साल बाद उन्होंने एक साथ कलंक मूवी में काम किया और एक बार फिर से खलनायक 2 में दिखेंगे। मगर क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? जी हाँ, बिल्कुल है। दरअसल उन दिनों माधुरी और संजय अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रोमांस को लेकर न्यूज कॉलम्स में छा गए थे। हालांकि इस बारे में दोनों ही एक्टर्स ने हमेशा चुप्पी साधे रखी, मगर जब चर्चाएं बढ़ गई तो संजय ने खुद जाकर माधुरी से माफी मांगना सोचा, और खेल मूवी की शूटिंग के दौरान उन्होंने माफी भी मांग ली, और इसके बाद उन दोनों ने एक साथ कलंक मूवी में कमबैक किया। कुछ ऐसे ही हॉट केमिस्ट्री हमारे हीरोपंती के कपल में भी देखने को मिली और चर्चाएं सुनने को मिली। शायद इसलिए सुभाष घई ने टाइगर श्रॉफ और कृति को एक साथ लाने का सोचा है। वहीं इस साल जनवरी में 76 इयर्स के हो गए सुभाष घई और 2015 में हीरो मूवी के रिलीज के बाद एक बार फिर से वो मूवी के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन के काम करने वाले हैं। घई ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत आराधना मूवी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश के रोल से की थी, और कालीचरण मूवी से स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन का काम शुरू किया, और 52 इयर्स के करियर में पहली बार वो अपनी ही एक मूवी के सीक्वल को लेकर आ रहे हैं, सीक्वल बनाने जा रहे हैं, और जिसका इंस्पिरेशन उन्होंने संजय दत्त की लाइफ से ही लिया है। अभी हम सबको तो बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का, और अगर आपको भी हमारी तरह इसका इंतजार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा होगा संजय और माधुरी का नया रोमांस, क्या होगी टाइगर। क्या फिर से होगा चोली के पीछे क्या है का रीमेक? दोस्तों, क्या ये मूवी माधुरी और घई की लास्ट मूवी थी? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी, और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। और आज के इस वीडियो में हम खलनायक 2 से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सुभाष घई की फेमस मूवी खलनायक की सीक्वल की बात हो रही है, और हाल ही में हो सकती है खलनायक 2 मूवी से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट, क्योंकि मेकर्स ने अपनी मूवी के लिए लीड रोल्स को अभी चुन लिया है। दोस्तों, खलनायक 2 के लीड रोल्स में टाइगर श्रॉफ रहेंगे, और फीमेल लीड में जैकलिन फर्नांडिस भी हो सकती हैं, या फिर कृति सेनन भी हो सकती हैं। मगर क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक बार फिर से इसी मूवी के लिए एक साथ काम करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, माधुरी ने सुभाष घई के साथ 1986 में कर्मा, 1989 में राम लक्ष्मण और 1993 में खलनायक मूवी के बाद कभी भी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया है। वहीं संजय दत्त ने घई के साथ खलनायक और 2007 में ओम शांति ओम के अलावा किसी भी मूवी में काम नहीं किया है, मगर उनके बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। मगर दोस्तों, जैकी श्रॉफ ने 1993 में खलनायक के बाद फिर से 2001 में यादें मूवी में घई के साथ काम किया था। अब दोस्तों, ये तो कहावत है कि मूवीज वही याद रहती हैं जिनके गाने सालों तक याद रहते हैं।
अब दोस्तों खलनायक मूवी चाहे जिस किसी भी वजह से हिट हुई हो मगर उनके सॉन्ग तो सुपर हिट हो गए थे। इस मूवी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना म्यूजिक डायरेक्शन किया था और दोस्तों ये उनकी आखिरी मूवी भी थी सुभाष घई के साथ। इसके बाद उन्होंने 1993 में आशिक बारात और 1998 में दीवाना मस्ताना मूवीज में म्यूजिक डायरेक्शन किया था। मगर दोस्तों साल 1998 के 25th मई को लक्ष्मीकांत जी की डेथ हो जाती है और उनका म्यूजिकल सफर भी थम जाता है। इस मूवी का सबसे हिट और सबसे चहीता सॉन्ग था चोली के पीछे क्या है, जिसे अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था और जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। मगर दोस्तों ये बॉलीवुड में पहली बार हुआ था कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड दो सिंगर्स ने एक साथ स्टेज पर शेयर किया हो। मगर क्या खलनायक 2 के लिए फिर से प्यारेलाल जी और घई एक साथ काम करेंगे, क्या वो फिर से करेंगे चोली के पीछे क्या है का रिमिक्स? तो दोस्तों गहरा बाप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या होगी खलनायक 2 की स्टोरी, कैसा होगा टाइगर श्रॉफ का किरदार। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम जो भी उस बैंक को लूटेगा सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी मैया। ऐसी फिल्म की है जिसने अपने रिलीज के बाद इससे जुड़े सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस को बॉलीवुड में एक जगह दी है जिसे लोग अभी भी तहे दिल से याद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1993 की एक्शन थ्रिलर सीक्वल फिल्म की जिसे डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म खलनायक की और उसके आने वाले सीक्वल यानी खलनायक 2 की। फिल्म खलनायक 1993 की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म में से एक है, जहाँ हमें इस फिल्म के लीड रोल में एक्टर संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नजर आते हैं। ये फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और सराहा भी था, जहाँ हमें इस फिल्म के लीड रोल यानी मेन एंटागनिस्ट के रोल में नजर आते हैं एक्टर संजय दत्त,
एज अ क्रिमिनल बल्लू के और एक्टर जैकी श्रॉफ एक ईमानदार और समझदार इंस्पेक्टर के रोल में होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड के रोल में हमें माधुरी दीक्षित नजर आती है। ये मूवी ऑडियंस की वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मूवीज में से एक है, इसलिए आज तक ऑडियंस ने इस मूवी को अपना प्यार दिया है। आज हम इस मूवी की सीक्वल फिल्म खलनायक 2 की बात करेंगे। जब इस फिल्म के सीक्वल की बात आई तो दर्शक के मन में इस फिल्म से जुड़े काफी सवाल मन में थे, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई ने अपने एक इंटरव्यू में दिया। प्रोड्यूसर सुभाष घई के अकॉर्डिंग इस फिल्म के बारे में सुझाव पहले संजय दत्त का था। वो हमेशा चाहते थे कि इस फिल्म की एक सीक्वल फिल्म आए। उन्होंने ये भी बताया कि वो इस प्रोजेक्ट पर ऑलमोस्ट 2-3 साल से काम कर रहे हैं और उनकी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है और वो सब इस फिल्म के सीक्वल को रिलीज करने का वेट कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म की सीक्वल जल्द ही स्क्रीन पर रिलीज होगी, शायद इस साल के एंड तक इसकी रिलीज की डेट भी आ जाए। अब बस उम्मीद ये है कि क्या 1993 की ये सीक्वल फिल्म जल्द से जल्द इस साल के एंड तक आए और बिल्कुल अपनी पेरेंट फिल्म की तरह ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड ब्रेक करे और सभी लोग इसे भी उतना ही प्यार दे जैसा उन्होंने फिल्म खलनायक को दिया था। लेकिन आप इस बात की फिक्र ना करें, आप हमारे साथ बने रहे, आप तक हम कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। संजय दत्त की इस आइकॉनिक मूवी के पीछे क्या थी सारी झड़प और किस गाने से हुई थी हॉलीवुड की एक मूवी इंस्पायर और कौन सी थी ये ऑस्कर विनिंग मूवी, आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की वन ऑफ द मेजर आइकॉनिक मूवीज में से एक यानी कि सुभाष घई द्वारा निर्देशित खलनायक के बारे में। तो दोस्तों, खलनायक भले ही बहुत ज्यादा सुपरहिट रही, हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी, फिल्मफेयर अवार्ड्स और बहुत सा प्यार, भले ही ये सब उसके पास था लेकिन फिर भी इस मूवी के पीछे काफी कुछ कहानी बची हुई है। तो आइए आज उसी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो दोस्तों, सुभाष घई द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी में हमको संजय दत्त मेन लीड में नजर आए थे और ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कितनी कहानी हुई थी? नहीं, आइए मैं आपको आज बताती हूँ। तो सुभाष घई बॉलीवुड के वन ऑफ द मेजर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स में से और मेजर रिस्पेक्टेड मेकर्स में से एक हैं, जिनको लोगों का प्यार तो मिलता ही है, साथ में उनके द्वारा बनाई गई फिल्म को लोगों को इंस्पिरेशन भी देती है। अगर बात करें हिंदी सिनेमा के बारे में तो उन्होंने बॉलीवुड को काफ़ी खास मूवीज दी हुई हैं और कमर्शियल मूवीज में से तो उन्होंने ऐसा रेवोल्यूशन पैदा किया है कि तब से फिल्मों में कमर्शियल मूवीज की डेफिनेशन काफ़ी बदल गई है। और साथ ही साथ में उनके फिल्मों के गाने इतने सुपरहिट हुआ करते थे और इतने सॉलिड बेस होता था उसका कि लोग फिल्मों की स्टोरी लाइन से ज़्यादा सिर्फ गाने के लिए फिल्म की स्टोरी को सुनकर हाँ कर देते थे। उनकी फिल्म हीरो और कर्मा जैसी इन्हीं कुछ फिल्मों का एग्जाम्पल है।
अब अगर बात करें फिल्म के बारे में तो खलनायक फिल्म के दौरान काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी फिल्म के बनाने को। ऐसा इसलिए क्योंकि सुभाष गाइड ने फिल्म की स्टोरी के लिए खुद से ही फाइनलाइज कर लिया था नाना पाटेकर को और उनको ऑफर दे के फिल्म के लिए मना भी लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद सुभाष गाइड को लगा कि यह फिल्म तो कमर्शियल है और शायद कमर्शियल फिल्म के लिए उनसे बेहतर संजय दत्त हो पाएंगे। फिर उन्होंने संजय दत्त को ऑफर दिया और संजय दत्त ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन गड़बड़ यहाँ नहीं हुई दोस्तों, गड़बड़ यहाँ हुई कि फिल्म के डायरेक्टर ऑलरेडी ही नसरुद्दीन को भी इस फिल्म के लिए ऑफर दे चुके थे और वह भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। साथ ही साथ में अनिल कपूर सामने से ही इस फिल्म के बल्लू रोप का काम करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर फिल्म के मेकर्स तो संजय दत्त को फाइनलाइज कर बैठे थे और मन बना लिया था उन्हीं को इस फिल्म में लेने का। उसके बाद बात यही नहीं खत्म हुई। आमिर खान को दिया गया था इस फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल प्ले करने को, लेकिन उन्होंने भी इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें भी रोल का बल्लू ही पसंद आया था। और यही झड़पा झड़पी में सारे की सारी कहानी गोल घूमती रह गई और इसीलिए आमिर खान इस मूवी में नजर नहीं आया और उनको हाथ धोना पड़ा इस आइकॉनिक मूवी का हिस्सा बनने से। उसके बाद अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो फाइनली इस फिल्म में हमको संजय दत्त नजर आए और फिल्म के गाने इतने ज्यादा सुपरहिट हुए कि लोगों के दिलों में आज तक छा चुके हैं। अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म का एक गाना चोली के पीछे क्या है बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ और साथ ही साथ में उसको फिल्म फेयर अवार्ड और बहुत से नेशनल अवार्ड मिले। हालांकि उस गाने को काफी जगहों से बैन कर दिया गया था क्योंकि उस गाने का लिरिक्स लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाने को बहुत प्यार मिला। और अगर बात करें इस फिल्म से इंस्पिरेशन लेने की तो स्लम डॉग मिलियनेयर, जी हाँ दोस्तों, स्लम डॉग मिलियनेयर का रिंगा रिंगा गाना इसी फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या है से इंस्पायर था। और हम जानते हैं कि स्लम डॉग मिलियनेयर ने कितना बेहतरीन काम कर दिखाया। हालांकि यह बात भी सच है कि सुभाष गाई ने पहले सोचा था कि वह इस फिल्म को हॉलीवुड में जाकर बनाएंगे, लेकिन उनको बाद में यह चीज रियलाइज हुई कि शायद ये गाना और यह फिल्म हिंदी यानी कि हमारी अपनी लैंग्वेज में ही लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। और फिर क्या था, शायद आइकॉनिक मूवी हम लोगों के हिस्से लिखी हुई थी और इसीलिए यह मूवी संजय दत्त को मिल गई और हम लोगों को यह मूवी एंजॉय करने को मिली। अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है और खबरों में काफी ज्यादा आ रहा है और एक बार फिर से इस फिल्म को करने वाले हैं यही निर्देशक सुभाष गाई। तो देखना होगा कि इस बार फिल्म में क्या खास किया जाता है। एक खास बात इस फिल्म की यह भी थी कि 1993 में संजय दत्त के अरेस्ट के आसपास इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी वजह से फिल्म काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनी और फिल्म का प्रमोशन यूं ही सब जगह हो गया। हालांकि इस फिल्म का इस बात से फर्क भी बहुत पड़ा, लेकिन फिर फिल्म में एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि इसकी वजह से फिल्म के ऊपर कोई बात नहीं है और फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। और आज देख लीजिए हम सब इस फिल्म के दीवाने हैं। अगर बात को आगे बढ़ाएं तो एक बात और भी है कि यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि बॉलीवुड के सितारे जिनमें से माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, अनिल कपूर भी हैं, उन्होंने इस फिल्म की मिमिक्री बहुत बार की और इस फिल्म के पोस्टर के आसपास काफी फोटोज भी खिंचाई और इससे पता चलता है कि यह फिल्म कितनी ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। अब देखना होगा कि इस बार इस फिल्म में क्या नया लेके आते हैं मेकर्स। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप जुड़े रहें फिल्मी जगत से रोजाना। कौन बनेगा नया खलनायक, क्या है खलनायक की स्टोरी, कौन कौन है मूवी का मुख्य किरदार? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं पंखुरी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम सुभाष घई की अगली मूवी खलनायक से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों 2021 में खलनायक मूवी 28 साल कंप्लीट करने वाली है और साथ ही मेकर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जल्द ही रिलीज होने वाली है खलनायक 2। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, जल्द ही सुभाष घई की अगली मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है खलनायक 2। और इस बार मूवी में होगा कुछ खास। मूवी में एक ही साथ पुराने किरदार के साथ साथ नए किरदार भी दिखेंगे। दरअसल 2 साल पहले मुंबई के एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने अनाउंस किया था कि सुभाष घई की खलनायक मूवी का सीक्वल बनाया जाएगा और वो खलनायक यानी कि बल्लू के किरदार में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने का सोच रहे हैं। मगर हाल ही में सुभाष घई ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वो खलनायक के सीक्वल में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने वाले हैं, मगर अभी तक
उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया है कि कौन गंगा और इंस्पेक्टर राम के रोल में होगा। मगर चर्चाएं तो ऐसी भी हो रही हैं कि मेकर्स गंगा के रोल के लिए कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस को अपनी लिस्ट पे टॉप पे रखे हुए हैं, मगर इंस्पेक्टर राम के रोल में कौन रहेगा ये अभी तक एक राज है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मूवी में सीक्वेंस को रिलेट करने के लिए बल्लू के किरदार में संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ दोनों एक साथ दिखेंगे और ठीक ऐसे ही बाकी कैरेक्टर्स को भी रिलेट किया जाएगा। अब आपको इतना तो याद होगा कि ईयर 1993 में बल्लू जेल गया था, यानी कि अब 28 साल बाद जब बल्लू जेल से लौट रहा है तो बहुत कुछ चेंजेस होंगे। और मूवी मेकर्स की बात माने तो कैरेक्टर्स में ट्विस्ट भी होगा और मूवी के बाकी किरदारों में भी काफी चेंजेस आ सकते हैं। साथ ही क्या आपको पता है कि मूवी के प्लॉट में भी काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। अब सुभाष घई ने 3 साल से बैठकर इस मूवी की स्क्रिप्ट बनाई है और जो संजू के जेल के दिनों के लेटर्स से इंस्पायर्ड है, मतलब कहानी के पूरे इंस्पिरेशन और फ्रेमिंग में संजय दत्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दत्त के जाने अनजाने में ही सही मगर कुछ रियल लाइफ रिवेंज और दर्द भरे एक्सपीरियंस के साथ जन्म लेने वाला है नया बल्लू, जिसमें जोश और गुस्सा कूट कूट कर भरा होगा। और अभी हमने आपको बताया कि नए बल्लू के किरदार में टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बना रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि एक बहुत ही थ्रिलिंग और एक्शन पैक मूवी होने वाली है। मगर दोस्तों क्या आपको ये पता है कि आज जो संजू इस मूवी के जान है, जिनके बिना इस मूवी को सोचा भी नहीं जा सकता, इस मूवी के लिए सेकेंड चॉइस थे और सिलेक्ट होने के बाद भी उनका रोल कन्फर्म नहीं था। दरअसल जब घई ने इस मूवी की स्टोरी लाइन लिखी तब वो केवल 2 मर्दों की थी और उन दिनों घई हॉलीवुड में छुट्टियां मना रहे थे। घई ने स्टोरी लिखते टाइम जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर को कास्ट करने का सोचा था, मगर जब उन्होंने मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर और सॉन्ग ऐड किए तो इसमें बल्लू का किरदार भी बदल गया। और यही वक्त था जब उन्होंने बल्लू के रोल के लिए संजय दत्त को चुना था, मगर इसमें भी प्रॉब्लम थी। जब अनिल कपूर को इसकी स्क्रिप्ट का पता चला तो उन्होंने बल्लू के किरदार को पाने के लिए सुभाष घई से कई मिन्नतें की और एक बार के लिए तो घई मान भी गए थे, मगर फिर उन्होंने अनिल को समझाया कि उन्हें उनका खलनायक मिल गया है। और आपको ये भी पता होगा कि आमिर खान भी इस रोल के लिए बहुत मिन्नतें करते हुए दिखे थे, लेकिन आखिरकार ये रोल संजू को ही गया। और इसके बाद शुरू हुई मूवी की शूटिंग और फिर तो आप जानते ही हैं कि कैसी सुपरहिट हुई ये मूवी। मगर इस बार सुभाष घई ने बल्लू के किरदार के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठाया है और मूवी के स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए संजय से बात भी की है और टाइगर श्रॉफ को ही खलनायक 2 के लिए नया बल्लू बनाया जाएगा। हालांकि गंगा के रोल के लिए जैकलिन फर्नांडिस और अन्य अभिनेत्री के बीच बहुत ही कंफ्यूजन है और अभी तक इंस्पेक्टर राम के रोल के बारे में भी घई कुछ नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बताइए कि कौन हो सकता है राम के किरदार में, कौन बनेगी नई गंगा, कैसा होगा खलनायक का प्लॉट। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सौमी पाल ने।
शब्द है। किन एक्टर्स को हम खलनायक 2 में देखना पसंद करेंगे, कौन इन रोल्स को जस्टिस दे पाएगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखे जरूर और हमारे चैनल बॉलीग्राह स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाएं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, सुना सुना लग रहा है ना? जी जरूर, क्लास में किसी बदमाश बच्चे ने पहले गाया होगा और आप हंसे होंगे, और अगर ज्यादा स्मार्ट होंगे तो आपने फिल्म भी देखी होगी। टेलीविजन चैनल्स पर फिल्म जब देखते थे तो आपको भी याद होगा कि कितनी सारी 90s की फिल्में देखा करते थे। हर संडे को स्टार गोल्ड पर कभी खुशी कभी गम या कुछ कुछ होता है, सोनी मैक्स पर मोहब्बतें या सूर्यवंशम या किसी साउथ फिल्म का हिंदी डब वर्जन, और जी टीवी पर हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, विवाह या फिर हम साथ साथ हैं। आजकल तो फिल्म्स ओटीटी पर एक सिक्योर जगह पा चुकी हैं और वही आइकॉनिक फिल्म्स आजकल उतनी फ्रीक्वेंसी से टीवी पर नहीं आती। सारे प्रोडक्शन हाउसेस के पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर उनकी पुरानी फिल्में कॉन्स्टेंटली एक शेल्टर पा चुकी हैं। वापस आते हैं खलनायक के पास। खलनायक में हीरो ही विलन था। आज तक सलमान खान ने कभी भी नेगेटिव रोल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अनुसरण करके उनके फैंस खराब कामों में जुड़ने लगेंगे। आज भी अगर कोई मेनस्ट्रीम एक्टर नेगेटिव रोल करता है तो कितनी खबरें आती हैं कि जैसे कि उस एक्टर ने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया, क्या उसका करियर खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन 90s जैसे एक कंजर्वेटिव समय में संजय दत्त ने खलनायक में ना सिर्फ एक नेगेटिव किरदार निभाया बल्कि उसे अंत तक बरकरार भी रखा। जबकि इवन कई एक्टर्स नेगेटिव किरदार इस शर्त पर करते हैं कि लास्ट में उनका किरदार अच्छा बन जाएगा। ऐसे रिस्क टेकिंग गट्स जैसा एक्टर इस जनरेशन में कौन हो सकता है? रणबीर कपूर? जी बिल्कुल, या मे बी रणवीर सिंह, क्यों नहीं, चलिए दोनों।